जो मुझे सामर्थ देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जो मुझे सामर्थ देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जो मेरा सामर्थ्य देता है सर्व काही करू शकतो। जो आपको सामर्थ देता है उसके द्वारा आपको क्या क्यों सामर्थ देता है? जो तुम्हारा सामर्थ्य देते तो तुम्हारा सामर्थ्य का देते? ताकि आप युद्ध करे, कि तुम्हें युद्ध करा, आत्मिक युद्ध करे, तुम्हें आत्मिक युद्ध करा, आत्माओं से लड़े, आत्मिक सैन्य युद्ध करा, आत्माओं से लड़े जो आपको टॉर्चर करती है, आपको सताती है, आत्मिक युद्ध करा जो तुम्हारा त्रास देता है, आपको गरीब बना के रखी है, तुम्हारा गरीब बन के बात करके रखी है, आजारी पड़ती है, उनसे हमें लड़ना है, तुम्हारा युद्ध करा। ये बहुत जरूरी है। हमारे शरीर में बहुत अशुद्ध आत्माएं रहती है, आपके शरीर में खूब अशुद्ध आत्मे आती है, कशा प्रकार पाप के कारण, पापा मुळे, पाप के कारण वो आत्माएं हमारे ऊपर उतरती है, पापा मुळे की आत्मा आपके ऊपर उतरता है। बहुत शरीरों में के द्वारा ऐसे काम होते हैं जिनको परमेश्वर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, खूब शरीर द्वारे ऐसे काम होते हैं जिन्हें वाला बिल्कुल आवड़त नहीं। जैसे उदाहरण के तौर पर दारू पीना, उदाहरण दारू पीना, गाली देना, शिवाय निंदा करना, मूर्ति पूजा करना, मूर्ति पूजा करना, व्यभिचार करना, व्यभिचार करना, शब करना, शब करना, मारना, मारना, तंबाकू खाना, तंबाकू खाना, क्यों होता है? जबकि ये परमेश्वर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ये काम का कारण बिल्कुल देवाला आवड़त नहीं, तो वो अशुद्ध आत्माएं उनके अंदर वास करती है, अशुद्ध आत्मा वास करता है। इसलिए हमें उन आत्माओं से अपने खुद के अंदर भी होगी या किसी और के भी हमें निकालनी है, उनसे लड़ना है, उनकी आत्माओं से, तो हमें क्या करना है? प्रभु से सामर्थ प्राप्त करना है। आपने स्वतः मध्य है दूसरे मध्य है सामर्थ्य प्राप्त करें, उसके लिए प्रभु हमें मदद करता है, देव आपको मदद करे। इसमें हमने डिटोलॉमी चैप्टर 20 में हमने जो वचन देखा था कि मैं तुम्हें तुम्हारे साथ हूँ जब तुम युद्ध के लिए जाते हो, अनुवाद अध्याय 20 मध्ये जसं आपण पाहिलं की मी तुमच्या सोबत असतो जेव्हा तुम्ही युद्धाला जाता, और मैं तुम्हें जय देता हूँ, आणि मी तुम्हाला जय देतो, तुम्ही उस युद्ध में विजयी करता हूँ, युद्धामध्ये मी तुम्हाला विजयी करतो। हमारा युद्ध शरीर का नहीं है, आणि आपलं युद्ध हे शरीराचं नाही, आत्मिक है, आत्मिक आहे, हमें आत्मा से ही लड़ना है, उन्हें आपल्या आत्म्याशी युद्ध करायचं, आत्मा से हम कैसे लड़ सकते हैं, आत्म्याशी आपण कसं युद्ध करू शकतो? की द्वारा नहीं, प्रार्थने द्वारा। जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थनाओं में उन आत्माओं से लड़ते हैं, यानी बोलते हैं यीशु के नाम से हे व्यभिचार की आत्मा निकल जा। प्रार्थना मध्ये जेव्हा आपण युद्ध करून बोलतो की व्यभिचारी आत्मा येशूच्या नावामध्ये निघून जा, हम तो सिर्फ प्रार्थना में होठों से लड़ते हैं, आणि आपण प्रार्थना मध्ये फक्त होठांद्वारे लड़ते, लेकिन परमेश्वर जो है वो उन स्वर्गदूतों को भेज देता है हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा उन आत्माओं से लड़ने के लिए। देव काय करतो, आपले प्रार्थनेद्वारे स्वर्गदूतांना पाठवतो त्या आत्म्याशी युद्ध करण्यासाठी। इसीलिए प्रियो उसके आगे का भाग हम आज देखने वाले कि हम जैसे प्रार्थना करते हैं, आणि आपण त्याचा पुढचा भाग पाहणार आहोत की जसं आपण प्रार्थना करतो आत्मिक युद्ध में, आणि या आत्मिक युद्धामध्ये प्रभु हमें कुछ करने के लिए कहता है, देव आपल्याला काहीतरी करायला सांगतो। मत्ती अध्याय 18, मत्ती अध्याय 18 उसका 18 से 20 तक, त्याचा 18 ते 20 पर्यंत आठवा ही वचन आहे, लेकिन हम 20 तक पढेंगे क्योंकि पॅरेग्राफ आहे वो, आणि 18 पासून वचन आहे पण आपण 20 पर्यंत वाचणार कारण ते पॅरेग्राफ आहे। Matthew chapter 18 verse 18. मत्ती अध्याय 18 त्याचा 18। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से दो जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे तो वो मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उसके लिए उनके लिए हो जाएंगे, क्योंकि जहाँ दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठा होते वहां मैं उनके बीच में होता हूँ। मी तुम्हाला सत्य सांगतो की पृथ्वीवरील ज्या ज्या लोकांसाठी तुम्ही स्वर्गाच्या राज्याचे द्वार बंद कराल त्या त्या लोकांसाठी स्वर्गाचे द्वार बंद करण्यात येईल, आणि ज्या ज्या लोकांसाठी तुम्ही स्वर्गाच्या राज्याचे द्वार खुले कराल त्या त्या लोकांसाठी स्वर्गाचे द्वार खुले करण्यात येईल। मी तुम्हाला हेही सांगतो की या पृथ्वीवर कोणती विशिष्ट मागणी करण्यासाठी तुम्हापैकी दोघे एक चित्त होऊन ती मागतील तर माझा स्वर्गीय पिता तुमची ती मागणी मान्य करेल, कारण जेथे दोघे किंवा तिघे माझ्या नावाने एकत्र असतात तेथे मी त्यांच्यामध्ये उपस्थित राहतो। इसलिए वचन हम ध्यान से सुनने के लिए और जो हम सुनते वही पालन करने के लिए मदद करना, वचन की सेवा आपके हाथ में दी है मेरे राजा मेरे महान पवित्र पिता, वचन हम ध्यान से सुनने के लिए मदद करना और आज्ञाकारी जीवन देना, वचन का अर्थ समझने के लिए मदद करना, तो ये मेरी प्रार्थना है प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।
हालेलुया। परमेश्वर हमें यीशु मसीह याना मसीहो को कुछ कहता है रोकना। आगे आप यीशु मसीह का अपने ग्रीस के लोगों ने सामने की थामो। अगर आप उसका हेडलाइन पढ़ोगे तो लिखा है रोकना और अवसर देना। ऐसा तुम्हें कैसे हेडलाइन मांगने का तीन लिखा करे की सामो हाँ संधि देना। अगर आपको मालूम है बाइबल हमें बताता है किसको रोकने का। बाइबल अपने साथ में कोना अड़वाइजर। अगर आप नई करार में वचन पढ़ोगे शैतान का सामना करो तो तुम्हारे सामने से नवीन करार मध्ये जर तुम्ही वचन वाचले तर तुम्ही शैतानाचा सामोरे जा तर तुमच्या समोर पळून जाईल। तो किसको रोकने को कहा है आणि कोणाला अडवायला सांगितले? शैतान को। शैतान अशुद्ध आत्माओं को। अशुद्ध आत्मा जो हमसे और हमारे लोगों से मलयुद्ध करती है और सताती है उनके द्वारा हमें बहुत यातनाएं देती है। जे आपले शरीर आपले लोकांशी मलयुद्ध करतात आणि त्यांच्या द्वारा आपल्या लोक यातना देतात तो उनका हमें क्या करना है? सामना करना है। त्यांना त्यांचा आपल्याला सामोरे करायचा आहे। रोकना है। त्यांना अडवायचं आहे। जैसे उदाहरण के तौर पर आधी एक उदाहरण दर्शन अभी सोचो आप लोग किचन की सेवा करते समय किचन की सेवा करता है वहाँ पर ठीक है तो आप रोकते हो तुम्हें हर जन को लेते हो कि प्रत्येक लोकांना घेता नहीं जिन लोगों को किचन में जाने के लिए परमिशन दिया है वही लोग जाते हैं। ऐसा लोग ना किचन में जाने से परमिशन दिए लेकिन से लोग जाते हैं जिन्हें परमिशन नहीं दिया है ऐसा लोग ना परमिशन नहीं दी बोले वो सेवक हो ऐसे सेवक असो तो भी आप उन्हें जाने देते हो ऐसे तो भी कभी कहना जाऊं देता नहीं ना क्यों अरे काम रूल है तो आप रोकते हो मनो तुम्हें अड़ोता है आप किस किस को रोकते हो तुम्हें कौन कौन अड़ोता है तो घर में आने के लिए कुत्रा घर में हानिकारक जीव जंतु घर में आने के लिए हानिकारक जीव जंतु घर में भिखारियों को अंदर आने के लिए भिखारियों को नाथ में देना चाहिए सच है ना। आपके घर में तुम्हारे घर में हर एक बेडरूम में हर कोई आ सकता है क्या बेडरूम में प्रत्येक लोग ये हो सकता है इसलिए हर एक को रोका जाता है प्रत्येक वाला अड़ना देता जिसको अधिकार है वही अंदर आ सकता है जिसके पास अधिकार नहीं वो अंदर नहीं आ सकता ज्यादा अधिकार है तो आत्मे हो सकते ज्यादा अधिकार नहीं तो आत्मे नहीं हो सकता हमेशा याद रखिए यहाँ पर हमें परमेश्वर सिखाना है किसको रोकना लाइफ में अगर हम देखेंगे तो हम बहुत सारी बातों को रोकते हैं स्वतः जीवन मे पहले तो स्वतः जीवन मे खूब सारे गोष्टी बुरा काम करने के लिए रोकते हैं वाइट काम करने व्यभिचार करने के लिए रोकते हैं व्यभिचार करने साथी अड़ोतो मूर्ति पूजा करने के लिए रोकते हैं मूर्ति पूजा करने साथी अड़ोतो आत्महत्या करने के लिए रोकते हैं आत्महत्या करने साथी अड़ोतो व्यसन करने के लिए रोकते हैं व्यसन करने साथी अड़ोतो रोकते हैं नहीं थांबतो फिर खून करने के लिए रोकते हैं आणि खून करने साथी थांबतो झगड़ा करने के लिए रोकते हैं बाटल करने साथी थांबतो गुंडे लोगों के साथ जाने के लिए रोकते हैं आणि गुंडे लोगों सोबत जाने साथी थांबतो चरस गांजा पीने के लिए रोकते हैं आणि चरस गांजा पीने साथी थांबतो सेवते आणि काही गोष्टी बरोबर आहे और घर में बैठे रहेंगे तो उसको रोकेंगे ऐसा बैठे मत रहे जा काम को जा घर में जो कोई बस लेना काम जा तो ये बहुत सारी बातों में हम रोकते हैं ऐसा बहुत सारे गोष्टी मध्य अड़ो आत्मिक बातों में भी परमेश्वर हमें ये सिखाता है आत्मिक गोष्टी मध्य हमारे घर ये जो हमारा जीवन है वो एक हमारा घर है परमेश्वर का घर है आपने ये जीवन है तो एक घर है देवा का घर है आप इब्रानियों की पत्री में पढ़ सकते हैं स्पष्ट रीति से लिखा है स्पष्ट रीति से लिखने का है तुम परमेश्वर के घर हो तो भी देवा के घर रहा पढ़ेंगे अध्याय तीन और उसका छह कैसा सहा परंतु देवाचा विश्वास पुत्र ख्रिस्त हा देवाच्या घराचा सर्वाधिकारी आहे प्रभु येशू सारे घर का मालिक है यहाँ स्पष्ट रीति से लिखा है सारे घर यानी इस पृथ्वी पर जितने घर है और जितने इंसान है उन सबका वो अधिकारी है इब्रानियों इब्रानियों की पत्री इब्री करंस पत्र अध्याय 3 त्याचा 6 उसका वचन 6 सर्वाधिकारी आहे सर्वाधिकारी ने उसी के हाथ में वो सत्ता है आणि आपण ख्रिस्ती लोक और हम सब मसीह लोग देवाचे घर आहो हम परमेश्वर के घर है आपले ध्येय मालूम हम किसके घर है बस हम किसके घर है आणि आपण कोणाचे घर आहो परमेश्वर के घर है देवाचे घर आहो तो जब हम ये घर परमेश्वर का है आणि हे घर देवाचं आहे हर मनुष्य जो शरीर प्राण और आत्मा में है वो सब परमेश्वर के हैं प्रत्येक मनुष्य जो शरीर प्राण आत्मा में है तो प्रत्येक घर देवाचा है लेकिन जिसमें खास होना है मसीह लोग क्यों ऐसा कहा गया मसीह लोग क्योंकि वो अलग किए गए हैं देखिए खास ऐसा ख्रिस्ती लोगों का सामने तरह तरह के लोग वेगे के लिए अब वो यीशु के हो गए विश्व
विश्वास किया है, बपतिस्मा लिया है, अब उनको वचन मालूम है, इसीलिए अब वो घर मसीह का हो गया है, ये उनको मालूम है। आता ती लोग वेगळे केले आहे, ती लोग येशू चे आहे, त्या लोकांनी बपतिस्मा घेतलेला आहे, म्हणून ती लोग वेगळे केले देवाचे घर आहे। तो फिर अब हमारे ये जो जीवन है वो परमेश्वर का घर है, तो इस घर में हमें भी कुछ बातों को रोकना है। आणि आपले हे जे जीवन आहे ते देवाचे घर आहे, तर या घरामध्ये सुद्धा आपल्याला काही गोष्टी करण्यासाठी अडवायचं आहे। जसे कुत्तों को आना मना रहता है, घर में कुत्तों को लेते हैं क्या? आणि घरामध्ये कुत्र्यांना घेतात का? तो वैसे पीछे हटे हुए लोग जो है वो कुत्ते हैं। आणि तसंच पाठीमागे आणलेले जे लोक आहेत ते काय आहेत? कुत्रे आहेत। उन्हें हमें इस घर में नहीं लेना। आणि त्यांना आपल्या या घरामध्ये नाही घ्यायचे। जो लोग सियोन चर्च छोड़ के गए हैं, आणि जे लोग सियोन चर्च सोडून गेले, उनको हम वार्तालाप करना, उनके साथ हंसना खेलना, जय यीशु करना, ये गलत है। हम उनके साथ उनको अपने घर में लेते हैं, यानी परमेश्वर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आणि आपण त्यांच्याशी बोलणं, हसणं, खेळणं, त्यांच्यासोबत उठणं बसणं हे बिलकुल देवाला आवडत नाही। जेव्हा आपण त्यांच्याशी बोलतो प्रभूला बिलकुल आवडत नाही। हम फिर किसको किसको नहीं लेते? जिन्हें अथॉरिटी नहीं है, आणि ज्यांना अधिकार नाही त्यांना सुद्धा आपण घेत नाही। तो वैसे हम बोले ना, जिनको अथॉरिटी नहीं, इसलिए तो हम किचन में सबको नहीं लेते। किचन एक हमारा सियोन चर्च का एक स्पेशल रूम है, जिनको हमने अथॉरिटी दी है वही लोग किचन में जा सकते हैं। आणि इसलिए चर्च में आने वाला सब अच्छे, लेकिन हमने जिसको पावर दिया है वही किचन में आ सकता है। आणि आम्ही ज्यांना अधिकार दिले तीच लोक किचन मध्ये जाऊ शकतात। तो इसीलिए जिसके पास अथॉरिटी है वही उन्हीं लोगों को हम घर में लेना है, यानी मसीह लोगों के साथ सहभागिता रखना। आणि ज्यांच्याकडे अधिकार आहे त्यांनाच आपण घरामध्ये घेणं, म्हणजे ख्रिस्ती लोकांसोबत सहभागिता ठेवणं, हाँ ये बहुत जरूरी है। आणि हे फार गरजेचं आहे। कोणी सोम्या गोमे को अपने जीवन में नहीं लेना है। आणि कोणतेही सोम्या गोमेला आपल्या जीवनामध्ये नाही घ्यायचं। उसका अर्थ वो होता है, हम जिसे हमारा कोई रिश्ता नहीं, जिसे हम कोई जान ना पहचान, या फिर हमारा पहचान भी हो लेकिन उसके पास मसीह का अधिकार नहीं है, वो मसीह होने का अथॉरिटी उसके पास नहीं है, उनको अब घर में नहीं लेना है, उनको रोकना है, मेरे से दूर रहो। आणि ज्यांच्याशी आपली ओळख नाही किंवा ओळख सुद्धा असू दे, पण ती लोक ख्रिस्तामध्ये नाही तर त्यांना घरामध्ये येण्यापासून अडवायचं आहे। उन्हें मसीह लोग, ऐसे लोगों को हमारे पास आने के लिए रोकना है जो झगड़ा करते हैं। अभी मसीह लोगों का हम बताएंगे, जो लोग झगड़ा करते हैं, आणि जे लोक भांडण करतात, निंदा करते हैं, निंदा करतात, किसी का बुराई निकालते हैं, कोणाचा वाईट करतात, ऐसे लोगों को अपने पास आने के लिए रोकना। भाई वाईट नाही तो बराबर वाईट, इसका उसका मत निकाल, आणि रोकना। आणि अशा लोकांना आपण आपल्याकडे येण्यापासून रोखणं की तुला बसायचं आहे तर योग्य रीतीने बस, याचं त्याचं काढून टाकून। बोली के द्वारा अंदर बाते जाती है, आणि त्यांच्या बोलण्याद्वारे काय होतं, आतमध्ये गोष्टी जातात। हम क्या करते हैं, हम मलिन हो जाते, वो तो ऑलरेडी मलिन हो गए, हम भी मलिन हो जाते हैं। ते लोक तर अशुद्ध झालेलेच आहेत, आपण सुद्धा अशुद्ध होतो मालूम हुआ। तो इसी कारण से ऐसे जो निंदा करने वाले, गाली देने वाले, तंबाकू खाने वाले, बीड़ी पीने वाले, सिगरेट पीने वाले लोगों के साथ हम बैठेंगे, इसका मतलब हम भी उनके जैसे हैं, ये घोषित होता है। आणि असं निंदा करणाऱ्या लोकांसोबत किंवा व्यसन करणाऱ्या लोकांसोबत जेव्हा आपण बसतो तेव्हा काय प्रकट होतं की आपण सुद्धा त्यांच्यासारखेच आहोत। दूसरा, जो प्रभु के दासों के अगेंस्ट बात करते उनको भी रोकना है। आणि जे लोक देवाच्या दासाच्या विरोधामध्ये बोलतात त्यांना सुद्धा अडवायचं आहे। चर्च के अगेंस्ट बात करते उनको भी रोकना है। आणि मंडळीच्या विरोधामध्ये परमेश्वर का घर है उसे मलिन और खराब होने नहीं देना है। आणि या रीतीने काही गोष्टींना आपण अडवायचं आहे, कारण त्याच्याद्वारे काय होतं, आपलं जे घर आहे ते मलिन आणि अशुद्ध होतं। दुसरा, भिकारी को भी रोकना, आणि दुसरा भिकारी लोकांना सुद्धा अडवायचं आहे। भिकारी लोग बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने अपने घर में, अपने घरामध्ये राजा ने अपने बेटे का विवाह आयोजित किया, आणि राजा ने जेव्हा त्याच्या मुलाचं आयोजित केलं विवाह, जिन्हें आमंत्रण दिया था वो तो नहीं आए, आणि ज्यांना आमंत्रण केलं ते लोक आले नाही, तो उसने भिकारियों को नहीं बुलाया, आणि त्यांनी भिकाऱ्यांना नाही बोलवलं। जो लंगडे और गुंगे अपंग या जो रस्ते से जा रहे थे उन लोगों को बुलाया, आणि जे लोक अपंग त्यांनी रस्त्याने जात होते त्यांना बोलवलं, पडो वहा, आणि तुम्ही तिथे वाचा, भिकारियों को नहीं बुलाया, आणि भिकारी लोकांना नाही बोलवलं, हे याद रखो। तो इसलिए परमेश्वर के लोग कभी भिकारी भी नहीं होते। आप देखो, कभी आपने देखा है कि कोई येशु के नाम से भीख मांगता है? आणि तुम्ही कधी पाहिले की कोणी येशू के नाम से भीख मांगता है? नहीं, कभी नहीं। क्यों? येशु अपने लोगों को कभी भिखारी नहीं रखता है, कारण येशु ने चलो का भिखारी वाले से होते हैं। इसीलिए बाइबल में अगर आप मत्ती के 22 में और जो जो उसके साथ लिंक किए हुए मरकुस में भी वो वचन होगा, लुका में भी होगा, आप पढ़ो, वहां पर भिखारियों को नहीं लाया। जैसे तुम्हें मत्ती 22 में लुका में जो तुम्हें वाचले थे
खाना देते है ना। मैं त्यांना असं म्हणतो की या भिकारी आमच्या घरामध्ये आपण त्यांना काय करतो आपण बाहेर बसून जेवायला देतो। वैसे ही वो भिकारी अगर अंदर कभी घुस गए नहीं जसं जर ती लोक जेव्हा भिकारी लोक आतमध्ये घुसले हम क्या बोलते उधर मुझे बाहर बाहर मेरे उधर बैठ आपण काय म्हणतो तिथेच बाहेर बस सही है नहीं कभी कुछ वैसे ही जो एकदम जिसके पास कुछ भी परमेश्वर का सामर्थ्य नहीं जो शून्य है जिसको कोई ज्ञान नहीं है यीशु में नहीं है अभी संसारिक है दुष्टता का काम करता ऐसे व्यक्तियों को हमें वहीं पर रोकना है अपने इस घर से लाकर घर में डालना नहीं है। जैसा कहा देवाचा काही सामर्थ्य नहीं देवाचा काही ज्ञान नहीं ती लोक एकदम अविश्वास आहे जैविक पद्धतीने जगतात त्या लोकांना स्वतःच्या घरामध्ये येण्यापासून काय करायचं आहे अडवायचं आहे त्याचा ती लोक आपल्याला अशुद्ध करते। हम परमेश्वर आज हमें यही कहता है हम परमेश्वर का घर है तो इसलिए इस परमेश्वर के घर में ऐसी कोई वस्तु नहीं लाना है जो परमेश्वर को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अरे देव आपल्याला हे समजतो की आपण देवाचे घर आहोत म्हणून आपल्याला या घरामध्ये कोणती अशी वस्तू आणायची नाही जी देवाला आवडत नाही। मूर्ती नाही व्यभिचार नाही जादूटोना नाही जादूटोना कोई भी बात भी नहीं घर में लाना भी नहीं कोई वस्तु रखना भी नहीं आणि जादूटोनाची कोणती गोष्ट सुद्धा आणायची नाही घरामध्ये पूजने के लिए जाना भी नहीं विचारायला सुद्धा बारे में किसी को पूछने को भेजना नहीं स्वतः विषय पाठना। परमेश्वर इन बातों से हमें रोकने के लिए कहता है अपने बारे में रोको कहता है क्यों क्योंकि जब मैं सोचो उदाहरण के तौर पर मेरे बारे में सोचो मेरी माँ एक भक्त के पास गई तो वो मेरे विषय में जब पूछती है तो वो मुझे बांध देती है उसके साथ ऐसा करके वो क्या करेगा वनिता के नाम पर उस शैतान के साथ बांध के मुझे रखेगा जब भगत तो क्या करेगा कि जो शैतान सोबत बांधून मला तिथे ठेवेल मैं सोचूंगी मैं आगे क्यों नहीं जा रही हूँ मैं इतना प्रार्थना कर रही हूँ आणि मी विचार करेल मी पुढे का जात नाही मी तर एवढी प्रार्थना करती सोचो अगर अभी ये बंधी हुई है इधर बांधने की आई हाँ तो ये आगे जाएगी क्या देखो नहीं तो ये पूरे जाएगा ये बात अब देखो अभी मैंने इसको इसको अगर बांधा है अरे मैं ही लाता बांध दे तो ये कितना तक आगे जाएगी अरे ये मुड़ पर तो पूरे जाए जा रही है ऐसे थोड़ी जाती है का नहीं बंधन होते हैं मतलब से जादूटोना से सुधा बंधन है वापस उसी स्थान पर उसको लाते हैं ऐसे कौन है तेरा स्थान पर की गई थी लाते हैं अपने घर वालों को कभी भी क्या करना है नंतर पुनः यह मैं बोल रही ऐसी क्रियाओं को करने के लिए मना करना मैं आज नाम बोलती तो कहीं कराई से म्हणून आपल्या घरातील व्यक्तींना अशा क्रिया करण्यासाठी मना करायचं आहे हमें जो मालूम पडता है हमारे नाम से उधर कुछ करने के लिए लोग गए होंगे कुछ किया होगा तुरंत प्रार्थना में बोलेगा मेरे नाम से वहां जो भी कुछ किया होगा मैं यीशु के नाम से तोड़ देती हूँ सारे जादूटोना के बंधन तोड़ देती हूँ मुझे मैं मुक्त करती हूँ मेरे फैमिली को मुक्त करती हूँ आणि जेव्हा आपल्याला माहिती पडतं की आपले लोक आपल्या विषयी काहीतरी विचारण्यासाठी गेले किंवा काहीतरी करण्यासाठी गेले तेव्हा आपण लगेच प्रार्थना करावं की माझ्या विषयी जे काही विचारण्यात आलं किंवा जे काही जादूटोना करण्यात आलं ते मी माझ्या स्वतःला आणि माझ्या घरातील व्यक्तीने त्याच्यापासून मुक्त करते जादूटोना की बंधनों को तोड़ देना है जादूटोनाच्या बंधनांना सुद्धा तोडायचं आहे हमें ऐसी बातों को रोकना है आणि आपल्याला अशा गोष्टींना अडवायचं आहे घर वालों को रोकना है ऐसा काम करने के लिए और मेरे अपने विषय में चौकस रहकर बोलना है मेरा नाम उसमें नहीं जोड़ना आणि आपल्या घरातील लोकांना अडवायचं आहे काम करण्यासाठी आणि चौकस राहून बोलायचं की माझ्या विषयाचा पुन्हा विचारायला जाऊ नको हे जो शादी का कार्ड रहता आणि लग्नाचं जे कार्ड असतं आपका नाम नहीं लिखा तो आपको कितना बुरा लगता है ना नहीं तुमचं नाव नाही लिहिलं तर तुम्हाला किती वाईट वाटतं ना लेकिन प्रियो मैं आपको बताती हूँ जो रीति रिवाजों में जो कार्ड होता है उसमें अपना नाम कभी मत लिखाना पण जे रीति रिवाजामध्ये जे कार्ड असतं त्याच्यामध्ये तुम्ही तुमचं नाव कधीच लिहू नका रोकना आणि त्यांना आडवा हमारे घर यहाँ पर भी कुछ कुछ लोग बोलते थे दीदी हम आपका नाम नहीं नहीं मेरा नाम मेरे पति का नाम नहीं लिखा ऐसे कार्ड में हमारा नाम नहीं चाहिए आणि अशा कार्ड मध्ये आमचं नाव नको आहे क्यों क्योंकि वो जो कार्ड बनाते हैं वो लोग कारण ते लोग जे कार्ड बनवतात उसमें स्टार्टिंग का लाइन पढ़ा रहता है क्या वो उनके कुलदेवत का नाम लिखते हैं आणि त्यांची जी स्टार्टिंग ची लाइन असते ती कुलदेवताचे त्यांचे नाव असतं वो जो कार्ड छपा रहता है उनके देवी देवताओं के नाम से उनके मूर्ति के नाम से उनको जो भी अगर बुद्ध है तो बुद्ध के नाम से जो भी अलग अलग है हिंदू है तो हिंदू के नाम से मुस्लिम है तो मुस्लिम के उनके कलमा फूकने से उसमें रखा रहता है तो जब उसमें अगर हमारा नाम आता है मतलब हम उसमें
बन जाते हैं। आणि जेव्हा आपल्यामध्ये आपले नाव त्याच्यामध्ये येतं तेव्हा आपण त्याच्याशी बांधलेलं असतो। इसीलिए हम पहिले बोलना बाबा मेरा नाम नहीं, म्हणून आपण पहिलेच बोलणं की माझं नाव टाकू नकोस, लोको जो कर रहे तुम लोको जो करो लेकिन मेरा नाम उसमें नहीं डाल, आणि नाम अपना नहीं है बोलतो दुखी नहीं, आणि तुमचं नाव नाही म्हणून तुम्ही लोको दुखी होऊ नका। ना इसी इसमें हमारा नाम नहीं है, आणि चांगलं आहे ना की याच्यामध्ये आपलं नाव नाही आहे, इसलिए क्लिअरली बोलणे का आणि स्पष्टपणे सांगून टाकले। पहिले बोलले मेरे इसमें हम लोग का नाम नहीं डालना, आणि मी माझ्या घरामध्ये पहिले सांगितले की माझं नाव टाकू नका, आम दोनों का नाम नहीं डालने का, आणि आमच्या दोघांचं सुद्धा नाव टाकू नका। हिंदू पद्धत से छापेंगे और हमारा उसमें नाम डालोगे जॉन जोसेफ और वनीता जॉन, बिल्कुल नहीं। आणि तुम्ही लोक हिंदू पद्धतीने तुमचे जे पत्रिका छापाल त्याच्यामध्ये आमचं नाव टाकायला योग्य नाही आहे ना, तो ये हमेशा इन बातों को रोकने का। आणि नेहमी या गोष्टीला अडवा, बायबल हमें यहाँ बताते रोकना, आणि बायबल आपल्याला इथे सांगता अडवणं, जो जिसमें हमें तकलीफ होगा उन बातों को हम पहले ही रोकना, आणि ज्या गोष्टीमध्ये आपल्याला त्रास होईल त्या गोष्टीना पहिलेच अडवणं। मसीह का कार्ड बनता है उसमें अगर आपका नाम आया तो बोलो अच्छा है, क्यों मसीह के साथ बंधना एक बड़ी गर्व की बात है। आणि ख्रिस्ताचं कार्ड बनता है त्याच्यामध्ये तुमचं नाव आलं ते बोला की खूप चांगली गोष्ट आहे, कारण ख्रिस्तासोबत बांधणं ही फार चांगली उत्तम गोष्ट आहे। अगर मैं हम लोग मसीह के साथ बन भी गए तो प्रभु की स्तुति और प्रभु के साथ जाएंगे ना, आणि जर आपण ख्रिस्तासोबत बांधलं गेलो तर आपण काय देवासोबत जाऊ, लेकिन हम मसीह के कार्डों में इतने सबके नाम नहीं डालते, पण ख्रिस्ती लोकांच्या कार्ड मध्ये एवढे सगळ्यांचे लोक टाकलेच नाही, बोलते सबको आमंत्रण, आणि आम्ही बोलतो की सर्वांना आमंत्रण आहे, शॉर्ट में थोड़ा सा ही छोटा सा ही मजकूर रहता है बस डाल देते हैं, थोड़ा मजकूर असतो आणि त्याच्यामध्ये टाकून देते वही अच्छा रहता है, ते चांगलं असतं, त्याचं नाव वाचता किती वेळ जातो, और इसका उसका नाम पढ़ते पढ़ते कितना समय जाता है, इसलिए कम नाम रहता है तो लोगों को भी पढ़ने के लिए अच्छा लगता है, क्योंकि इतने ज्यादा नाम रहते ना कोई नहीं पढ़ता है, एवढे जास्त नाव असले तर कोणी वाचत नाही। मेरे अनुभव से मैं बताती हूँ मैं कहाँ नाम पढ़ती हूँ, आणि माझ्या अनुभवाने सांगते मी कुठे नाव वाचते, मी नाम नाही वाचते और मी नाम नाही पढ़ती हूँ, कार्ड आता है जो कार्ड आता है मैं अगर बहुत ही कुछ डेकोरेट किया रहेगा आणि जास्त काही तरी सजावट केलेली असेल शैतान का शैतानाचे बाहेर का बाहेर फेंक देते, तर बाहेरच्या बाहेरच टाकून देते, और अगर अंदर एक ही दो होगा तो किचन के कचरे के डब्बे में डाल देते, आणि एक दोन असेल तर किचरे किचनच्या कचऱ्याच्या डब्यामध्ये टाकून देते। तारीख पडणे का तारीख वाचायची और समय देखने का और जगह देखने का वेळ बघायची आणि जागा बघायची, ऐसी वस्तुओं को अपने घर में अंदर नहीं देना, कारण अशा वस्तूंना आपण आपल्या घरामध्ये घेऊ नये, हमारा घर मलिन होता है आणि त्याच्याशी आपलं घर अशुद्ध होतं, लोगों को बुरा लगेगा नेचुरल हमारे देवी देवता को ऐसा क्या हमारे देवी को ऐसा, लेकिन हम मसीह हम हमारा देवता को दुखी नहीं करना, आणि लोकांना वाईट वाटेल पण आपण आपल्या देवताला दुखी करू नये, हम हमारे येशु को दुखी करना है क्या, आणि आपल्याला आपल्या येशूला दुखवायचं आहे का, बोलू गुंगो दुखी नहीं करना चाहते फिर हम हमारे येशू को क्यों दुखी करना, आणि त्या लोकांना त्यांना दुखी करायचं नसतं मग आपण आपल्या येशूला का दुखी करणार है ना, तो ये हमेशा याद रखो आणि हे नेहमी लक्षात ठेवा। तो इसलिए प्रियो आज वचन कहता है रोकना अवसर देना, मैं जब 19 और 20 वचन हम अगले फ्राइडे को देखेंगे तब अवसर का देखेंगे, आणि 19 आणि 20 वचन जब आपण पाहू तेव्हा संधीविषयी पाहू, तो 18वें वचन में परमेश्वर का वचन कहता है तुम जो कुछ मैं तुमसे सच कहता हूँ जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, आणि 18व्या वचनामध्ये देवाचा वचन म्हणतो मी तुम्हाला कशी सांगतो की तुम्ही जे काही स्वर्गामध्ये बांधाल ते जे काही स्वर्ग पृथ्वीवरती बांधाल ते स्वर्गामध्ये बांधण्यात येईल। प्रभू चाहता है की हम बांधे, आणि देवाची इच्छा आहे की आपण बांधावं, हम किसको बांधे आणि आपण कोणाला बांधावं, दुष्टात्माओं को, दुरात्म्यांना, वो आत्माओं को जो हमारे अंदर है या अगर हम किसी और के अंदर है, ते आत्म्याने जे आपल्या आतमध्ये आहे किंवा कोणा दुसऱ्यामध्ये आहे, उन आत्माओं को जो हमें तकलीफ देती है, ते आत्म्याने जे लोक आपल्याला त्रास देतात, हमारे अंदर घर में बैठकर काम करती है, जे आपल्या आतमध्ये घरामध्ये बसून काम करतात, वो शरीर की अभिलाषा, ते आहे शरीराची अभिलाषा, जे हमारे शरीर में अभिलाषा आती है की मैं भी सुंदर बनू, मैं भी मेकअप करू, मैं भी टाइट पैंट पहनू, ये से कहते शरीर की अभिलाषा, बहुत डार्क लिपस्टिक लगाकर मेरे पास भी बहुत पैसा हो, वह विचार करू वो आदमी अच्छा दिखता है, वो औरत अच्छी दिखती है, वह विचार, इसे शरीर की अभिलाषा कहते हैं। आणि माझ्याकडे सुद्धा खूप सारे पैसे हवे किंवा मी सुद्धा खूप लिपस्टिक लावावी, मी सुद्धा मेकअप करावा, आणि माझ्याकडे सुद्धा खूप सारे पैसे असावे किंवा मी व्यभिचार करावा, याला म्हणतो शरीराच्या अभिलाषा, इसे शरीर की अभिलाषा कहते, आणि याला शरीराच्या वासना म्हणतो, आंखों की अभिलाषा, आणि डोळ्याची वासना, जो दिखता है वो मुझे चाहिए, आणि जे काही दिसतं ते मला पाहिजे, आंखों से जो अच्छा लगता है, आणि डोळ्याला जे काही चांगलं वाटतं वहां पर जाना, तिथे जाणं, लेकिन उससे हम ये नहीं सोचते कि वहां वो जगह सही है क्या, आणि आपण हा विचार करत नाही की ती जागा योग्य आहे का, वहां घूमने के लिए जगह हम जा रहे हैं लेकिन वहां कोई गलतीच कुछ तो नहीं है, जे काही फिरायला जातो तिथे गलतीच काहीतरी वस्तू नाही, उन
बातों की ओर ध्यान दे रहा है, क्या क्वेश्चन करें लक्ष्य आंखों की लालसा क्या करती है, बस घूमना है मुझे, दौड़ी जाते हैं इसीलिए घूमने को जाते हैं, और बाद में जहाँ वो किसी भी पीछे मूर्ति के पीछे ऐसा फोटो निकालते हैं, विश्वासी लोगों के बहुत सारे ऐसे फोटोज है कि पीछे मूर्तियां है और वो फोटो निकाल रहे हैं, विश्वासी लोगों के ऐसे खूब सारे फोटो है, पार्टियों की मूर्तियां है, तभी के लोगों फोटो काटते हैं, आपको समझ में आ रहा है, तुम्हारा समझ आंखों की लालसा ये बातें दिखाती नहीं है, डोरेंची वासना नहीं वस्तु दाखवत नहीं, आंखों की लालसा जैसे बहुत पुरुष लोग दारू बियर बार में जाते हैं, तो ये आंखों की लालसा उनको ये दिखाती नहीं कि ये बियर बार है, ये शैतान की जगह है, ये शैतान का अड्डा है, वहां मुझे नहीं जाना है, खूब लोग अड्डे मध्य जाता दारू चाहिए, समझत नहीं की दारू का अड्डा है, मैं तिथे जाए नहीं है, आप बोलोगे आप कैसे बोल सकती है दारू का अड्डा शैतान का अड्डा है, आई तुम्हें बोल कि कसा काय तुम्ही बोलू शकता की दारूचा अड्डा हा शैतानाचा अड्डा आहे, बाइबल में स्पष्ट रीति से करणियों की पत्री में लिखा है जो प्रभु भोजन लेते यीशु का लहू पीते उन्होंने दुष्टात्माओं की मेज पर सहभागिता नहीं रखना है, तो दुष्टात्माओं की मेज कौन सी है, दुरात्मांची मेज कौन सी आहे, जो प्रसाद खाते है उसे देह बोलते है, जो शैतान का देह है, जे प्रसाद खाता त्याला शैतानाचा देह म्हणतात, जो दारू पीते है वो शैतान का खून पीते है, जे दारू पीतात ते शैतानाचा रक्त पीतात, मालूम हुआ, तो इसीलिए बाइबल पौल बहुत बार जोर देता है इसे हमें नहीं खाना है, यानी पौल भी तो जोर दे तो क्या आपके लिए खाई से नहीं, शैतान कॉपीकैट है, नहीं शैतान ही कॉपीकैट है, कॉपीकैट है, नहीं कैसा जो मैं कर रही हूँ वो भी वही करेगा, यानी कॉपीकैट मुझे जैसा जैसा भी करते तो तसा करे, त्याला आपण एक्टिंग म्हणतो, नहीं त्याला आपण एक्टिंग म्हणतो, मिमिक्री म्हणतो, मिमिक्री, जसं बहुत से लोग देखो जॉनी लीवर की मिमिक्री करते, कोरले बाल बनाते हैं, फिर वही फेस वैसा ही फेस टाइप में रखकर ऐसा करके एक्टिंग करते हैं, तो हम लोग हंसते हैं, वो किसी छान ना सेम जॉनी लीवर सर को बैठो ना, है ना, उसे मिमिक्री बोलते हैं, जरा मिमिक्री म्हणतात, लेकिन शैतान भी वैसा ही है, पर शैतान सदा तसा है, जो कुछ यीशु को चाहिए वो भी उस सेम उसको भी वही चाहिए, जी मैं यीशु को पाइजे ते सेम त्याला सुद्धा पाइजे, इसीलिए वो उसके लोगों को भी क्या करता है, जो यीशु करता है वो उनके लोगों को उसके पीछे चलने वाले लोगों को भी वही देता है, प्रभु उसके लोगों को प्रभु अपना देह और अपना लहू देता है, प्रभु देह रक्त देते, शैतान भी उसके पीछे चलने वाले लोगों को क्या देता है, अपना देह जिसे हम प्रसाद कहते हैं वो देता है, और लहू देता है उसका जिसे हम दारू बोलते हैं वो देता है, और अगर शैतानी विद्या सीखने के लिए जो लोग जाते हैं, शैतानी विद्या सीखने साथी जीवों को जाता, उनको इंसान का मांस खाना पड़ता है, इंसान का लहू पीना पड़ता है, मनुष्यांचा मांस खावा लागता है, मनुष्यांचा रक्त प्यावा लागता, जाने तो वो हमें नहीं देखना है, लेकिन कहने का उद्देश्य प्रियो प्रभु के वचन के अनुसार, सांगण्याचा उद्देश देवाच्या वचनानुसार, हमें आज परमेश्वर हमें यही कहता है, हम उन सारी आत्मा को बांधना है, उनसे हमें युद्ध करना है, जीविका का घमंड, जीविका का घमंड क्या है, जीविका का घमंड क्या है, मेरे पास गाड़ी बंगला हो, मेरे गाड़ी बंगला, इसलिए वो व्यभिचार करके कमाएंगे, किसी का बुरा काम करके कमाएंगे, चरस गांजा बेच के कमाएंगे और पैसा कमाएंगे, वो जीने के लिए कुछ भी गंदा काम कर लेंगे, उसे कहते हैं जीविका का घमंड, इसे वो आत्माएं क्या करती है, मनुष्य को बिगाड़ती है, इसीलिए उन आत्माओं को बांधना है, तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि आपके अंदर कौन सी आत्माएं हैं, तो मतलब कैसे समझें कि तुम चाहे कौन सी आत्माएं आ रही, जो शरीर करता है, जो शरीर करता है उसके अंदर आत्माएं होती है, त्याच्यामध्ये आत्मा असतात, आत्मा कहाँ रहती है, दुष्ट आत्माएं अशुद्ध आत्माएं कहाँ रहती है, दुरात्मा कुठे असतात, शरीर में रहती है, शरीर असतात, पढ़ेंगे आपण वाचूया 12 अध्याय मत्ती का, मत्ती अध्याय 12 उसका 43 है, एंड दैट्स 43 पर्सन, या दृष्ट पिढीची अवस्था एखाद्या भूतग्रस्त मनुष्यासारखी झाली आहे, त्यातून भूत निघाले म्हणजे ते भूत काही काळ विसावा घेण्याच्या इराद्याने ओसाड्या रांगत जाते, पण त्याला तेथे विसावा मिळत नाही, आणि मग ते म्हणते ज्या मनुष्यातून मी निघून आलो आहे त्याच्यातच आता परत जाईल, त्याप्रमाणे ते परत येते आणि त्याला त्या मनुष्याचे अंतकरण स्वच्छपण रिकामे असल्याचे आढळून येते, मग ते आपल्यापेक्षाही दृष्ट असलेली दुसरी आणखी 7 भूते आपल्या बरोबर घेते आणि त्या मनुष्यात शिरते, तेथेची सर्व भूते राहू लागतात आणि मग त्या
और वो किधर रहते शरीर में? अपने से भी सात बुरी आत्माओं को लेकर आती है और उस शरीर में रहती है। आणि आपल्यापेक्षा सात वाईट दुष्टात्मा घेऊन येतात आणि त्या शरीरामध्ये राहतात। आपणही यहाँ तो शरीर हे शब्द नाही दिया है। तुम्ही लोक बोलणार की शरीर हा शब्द दिलेला नाही। पहिला करिंथियुकी पत्र 3:16 में लिखा है की परमेश्वर का आत्मा कहाँ रहता है। आणि पहिला करिंथियुकी 3:16 मध्ये लिहिले की देवाचा आत्मा कुठे वास्ती करतो? शरीर में। वहां स्पष्ट लिखा है, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर परमेश्वर के आत्मा का मंदिर है, तुम जीवित परमेश्वर के आत्मा के मंदिर हो। दूसरा पॉइंट में आपको बताती हूँ, दूसरा मुद्दा भी तुम्हारे अशुद्ध आत्माओं को शरीर नहीं है। अशुद्ध आत्मा ने शरीर नहीं है, इसी कारण से उन्हें शरीर की जरूरत होती है। शरीर की गरज होती है। अगर आज मैंने मेरे अंदर से गाली की आत्मा को निकाल दिया, तो वो बाहर जाएगी, तो बाहर जाए लेकिन वो गाली नहीं दे सकेगी, तो शिविर क्यों नहीं सकना है? इसको भी गाली नहीं दे सकेगी, शिविर नहीं दे सकना, किसी को भी नहीं दे सकेगी, लेकिन वो अगर वापस मुझ में आई, पर जब भी पुनः माजा मध्य आई, जागृति में घुसी, जागृति मध्य गेली, तो क्या हो जाएगा? तो काय होऊन जाईल? गाली देने लगी, नहीं तो शिविर रहना लगे। आपको समझा? तुम्हारा समझना। अगर सोचो मैं दारू पीती हूँ, नहीं जब भी दारू पीती हूँ, मेरे अंदर मेरे शरीर में दारू की आत्मा है, माजा मध्य माजा शरीर मध्य दारू की आत्मा है, वो जब तक मैं उसे बाहर निकाला, बाहर पड़ल, तो वो दारू नहीं पी सकती, हम अपनी दारू पी उन्हें शरदा है, इसलिए मैं तो मुक्त हो गई, मैं तो मुक्त हो गई। लेकिन अगर सोचो मैंने कोई कहा गलती की, वो वापस मेरे अंदर आए, मेरा घर खाली रखा है, मैंने यीशु को नहीं बुलाया, मैं प्रार्थना नहीं कर रही हूँ, उपवास नहीं कर रही हूँ, और इस विषय के लिए प्रभु अब मैंने दारू छोड़ दी है, मेरे अंदर दारू नहीं आने देना, इसलिए करना जरूरी रहता है। प्रभु अभी मैंने दारू छोड़ दी है, अब मेरे अंदर कभी दारू आने नहीं देना, मैं कभी दारू नहीं पीऊँ, प्रभु मुझे मदद करो, मुझे सहायता करो, इसे कहते हैं मैंने मेरे घर को सुरक्षित रखा है, ख्याल किया। मैं आपको वचन देती हूँ, ख्याल किया है। आणि जर मी जर माझ्या घरामध्ये देवाला बोललेलं नाही, मी माझं घर रिकामं ठेवले, प्रार्थना करत नाही, उपवास करत नाही, ह्यांच्या गोष्टीसाठी मी जी गोष्टी मी सोडलेली आहे त्या गोष्टीसाठी जर पुन्हा प्रार्थना करत नाही, आणि जर नंतर मी प्रार्थना करते तर ह्याला काय म्हणतात की माझं घर मी आता काय केलेलं आहे, सुरक्षित ठेवलेलं आहे, तो फिर वो आत्मा मुझ में नहीं आई, मग ते आत्मा माझ्यामध्ये पुन्हा येत नाही, मी प्रार्थना नाही करत आहे, पण मी प्रार्थना करत नाही, मी रूम मेरे अंदर नाही, तो फिर जागृति के अंदर जरूर घुसे, तो ते माझ्यामध्ये किंवा जागृति मध्ये नक्की घुसे, रिटर्न आ जाए, आणि ती पुन्हा येईल, रिटर्न आने पे वो मुझे ना मेरे बदन को कपवाएगी, आणि पुन्हा आल्यावर ती माझ्या अंगाला कापेल। दारू पीने वाले लोगों का शरीर हमेशा, म्हणून दारू पिणारे लोकांचं कभी पिऊ कभी थोडस इधर थोडस तकलीफ आहे, थोडस बदन जरा अच्छा लगेगा वो शरीर हमारे शरीर को कुछ नहीं रहता है, वो अंदर जो मेरे दारू की आत्मा है उसको वो तकलीफ हुआ रहता है, क्योंकि इतने दिन से पी नहीं ना, आणि आपल्या शरीराला काही झालेलं नसतं, पण आपल्या आतमध्ये जी दारू पिणारी आत्मा आहे तिला तो त्रास होत असतो, कारण तिने एवढे दिवसापासून पिलेली नसते, तिने पिया नाही घेतलाय ना, तिने पिलेली नसते ना, दो महीने के बाद फिर क्या करेगी? जो दारू पी रही, सोचो मैं पी रही हूँ या बालकृष्ण बहु पी रहे, तो थोड़े दिन के बाद वापस पीने के बाद मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे अंदर जो दारू की आत्मा है उसको अच्छा लगा, आणि माझ्या आतमध्ये जी दारू की आत्मा आहे तिला चांगला वाटते, समजलं? मी आपको वचन बोली थी ना, मैं मेरा घर सुरक्षित रखना है, आणि मी जर सांगितलं की मला माझं घर सुरक्षित ठेवायचं आहे, पडो लूक अध्याय निकालो, लूक अध्याय लुका अध्याय 11 उसका 21 और 22, त्याचा 21 आणि 22, लूक अध्याय 11 लूक अध्याय 11 उसका 21-22 त्याचा 21 आणि 22, जोपर्यंत एखादा बलवान मनुष्य सर्व शस्त्रांनी सज्ज होऊन आपल्या गाड्याची रखवाली करतो, पहिले एक बलवान व्यक्ती, यानी अभी मैंने मेरे अंदर से दारू की आत्मा निकाल दिया, अब मैं क्या हो गई? बलवान हो गई, तो अभी मुझे मैं मुक्त हो गई ना, यानी दारू की आत्मा से भी मैं स्ट्रांग हूँ, म्हणजे दारूच्या आत्म्यापेक्षा सुद्धा मी मजबूत आहे, दारू की आत्मा कमजोर आहे, आणि दारूची आत्मा निर्बल आहे, मी उसपर जय पाई, आणि मी त्याच्यावरती जय प्राप्त केली आहे, दारूची आत्मा निर्बल हो गई, आणि दारूची आत्मा निर्बल झाली, इसलिए अब मैं बलवान हूँ, आता मी बलवान आहे, मैंने क्या किया, मग मी काय केलं, शस्त्र
है ना, ऐसे लिखा ना कैली ने, शस्त्र शास्त्र निशी, हाँ पूरे शस्त्र हथियार के साथ मैंने बांध लिए, प्रार्थना कर रही हूँ, विरोध कर रही हूँ, प्रभु ये आत्मा मुझ में वापस आने नहीं देना, मैंने इस बीमारी को डांटा है, ये बीमारी मुझे वापस आने नहीं देना, इस रीति से मैं डांट रही हूँ, प्रार्थना कर रही हूँ, सच्चे हूँ अपने वाड़ा की रखवाली कर दो, वाड़ा यानी मेरा घर का, हिंदी मराठी हिंदी में लिखा है घर, घर का मैं क्या कर रही हूँ, ख्याल कर रही हूँ, रखवाली कर रही हूँ, ताकि वो वापस मेरे अंदर घुसे नहीं, तो परंतु त्याचा वाड़ा सुरक्षित रहतो, तलक मैं सुरक्षित हूँ, फिर वो हमले मुझ पर नहीं होंगे, इसलिए जो दुष्ट आत्माएं हमसे निकल जाती है हमें उन्हें रोके रखना है, जो इस वचन में जो हमने देखा है, जो देरा को आपने मुझे निकल जाता थे आपने ना अपने लड़ों थे वैसा है, और जिसे हमने रोके रखा है जाना अपने लड़ों थे वाले रोकते हैं नहीं आना वापस मेरे अंदर, अरे आड़ों तो की पुन्ना वाजे मत ये उन्हों को नहीं आत्माओं को बांधना है जो यहाँ लिखा है, ऐसे आप में ना बांधे चाहे जो इतने लिए रहा है, ये दारू की बाटली है, ये दारू की बोतल है, मैं पीती हूँ, मैं पीते हैं, है ना, अभी मैं पानी पी रही हूँ, अब मैं पानी पीता हूँ, दारू नहीं पी रही हूँ, दारू नहीं पीते, नहीं बस हो गया आज मैं दारू नहीं पीऊंगी, बस अभी बस ज़्यादा तो मैं दारू नहीं पीना है, ले लेती हूँ अभी क्या करेगी, अरे ये भी आता मैं क्या करूँ, थोड़ा शरीर में थोड़ा सा कमजोरी हो रहा है ना, अरे शरीर में थोड़ी निर्बलता आ रही है, बहुत पिया दारू अभी नहीं चाहिए मुझे दारू, बस हो गई दारू, आई खूब पी दारू आता मालूम हो गई, बस सारी दारू ले लेते हैं अभी क्या करेंगे, मना कैसे कर सकते हैं, नहीं पिया तो शरीर में कैसा अजीब सा लगता है ना, थोड़ा सा तो ताकत आ जाएगा, पी लेती हूँ, आई ये क्या मना कैसे कर सकते, शरीर में ना पीला तो मुझे निर्बलता वाटते, आता पी ली तो ताकत ही मालूम हुआ, इसीलिए दारू की आत्मा बार बार देती रहती है, इसलिए दारू का आदमी पीता रहता है, दारू की आत्मा देता रहते हैं, दारू पीना व्यक्ति का पीता रहता है, तो इसीलिए दारू की आत्मा क्या करती है, दारू की आत्मा क्या करती है, पीती रहती है, पीतच रहती रहती है, मेरे द्वारा वो पीती रहती है, पीतच रहती है, शरीर को मेरे को लूला बना देती है, लेकिन अगर सोचो पर विचार कर, मैंने उसे बांध दी मेरे अंदर से, निकल जा मैंने बोला यीशु के नाम से निकल जा, मतलब लेकिन मैंने कहा पर नहीं मतलब मैंने इसे बांध दिया, मेला बांध कर सोचो, मैंने अभी इसे बांध दिया, मेला तो बांध दिया, अभी मुझे पिलाएगी क्या, आता ही मेरे पास है काम, पिला नहीं पास आ रहा है क्या मेरे तक, ये तो मैं मजा कर रहा, पिला मुझे, पिला दो गुड पिला दे, नहीं पिला पाएंगे, क्यों, क्योंकि वो बंधी हुई है, वो कार्य करना चाहेगी, कार्य करूं चाहिए, मुझे पिलाना चाहेगी, लेकिन मेरे इस हाथ तक वो दे नहीं पाएगी, पर मुझे हाथ पर तो देऊं नहीं सकता, मैं ये हाथ लेकर पीऊं, कि मैं ये हाथ नहीं क्यों प्यार हो, इसीलिए प्रभु ने कहा जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे, स्वर्ग जो बांध देता है उस आत्मा को, वहां लिखा है स्वर्ग में, पढ़ो वो लाइन 18 का, मैं तुमसे सच कहता हूँ जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे, हाँ पृथ्वी पर, मैंने मुंह से बोला यीशु के नाम से, वो दारू की आत्मा को मैं बांधता हूँ, मैं बांधती हूँ जो मुझे दारू पिलाती है, निकल जाए यीशु के नाम से, और निकल गई ना, अभी मैं 2-3 महीना हुआ मैं पिया नहीं यीशु, लेकिन मैं रोज बोल रही हूँ मैं उस दारू की आत्मा को बांधती हूँ, मेरे कारण मेरे जैसे ऐसे कितने लोग हैं जिनको दारू की आत्मा पिला रही हूँ, उनको उन आत्मा को मैं बांध ही देती हूँ, ताकि वो मुझे भी नहीं किसी और को भी नहीं पिलाए, वो स्वर्ग में बंधेगा, तो स्वर्ग दूत उसे आकाश में क्या करेगा, ऑलरेडी हमने शाम की चर्च को या सुबह की चर्च को देखा ना, 3 स्वर्ग है शाम के है ना, तो ये स्वर्ग में बन गया, यानी आकाश में से बांध दिया, अन्य स्वर्ग में भी बांधने लगा, ये भाई ये दारू का आत्मा मुझे दारू नहीं पिलाया, अन्य दारू का आत्मा मला तो दारू नहीं पा रहा है, मालूम हुआ समझ लो, इसीलिए मालूम अगर हम शैतान को बांधेंगे ना, अशुद्ध आत्माओं को बांधेंगे, अशुद्ध आत्मा बांधे तो वो काम नहीं करेंगे, काम नहीं करते, वो काम करती है, काम करते खुली है, कारण खुली है, इसलिए उसे रोज बांधो, रोज बांधो।
बांधना है, गुस्से की आत्मा, रागा की आत्मा, की आत्मा बांधना चाहिए, उसको नहीं बांधना नहीं रहा। आपकी गरीबी की आत्मा को जो आपको गरीब करके रखी है, तुम जो गरीबी की आत्मा है जो तुम्हारा गरीब कर रही है बांधो, आपको जो तकलीफ दे रही है बीमारी है आजारण है बीमारी की आत्मा को बांधो, आजारण की आत्मा को बांधो, बांधो उसको तो बांधना नहीं रहा। अभी देखो मेरे हाथ खुले हैं, इसलिए मैं काम कर रही हूँ, काम करती है ना, लेकिन मेरे अगर हाथ बंधे हुए पर हाथ बांधे नहीं है, काम कर सकूंगी क्या, अभी काम कर सकेंगे क्या, हाथ पैर सब बांध दिए, हाथ पैर बोल दो सारी पूरी आत्मा को सिर से लेके उसके जितना पूरा वो है उसके एक एक अवयवों को बांध देते, ना वो उड़ सकती है, ना वो कार्य कर सकती है, ना चल सकती है, ना फिर सकती है। बाइबल में क्या लिखा है, वो क्या क्या कर सकती है, वापस उस 12वें अध्याय में जाएंगे, 12वें अध्याय और 43 से पढ़ो, 43 पढ़ो माता मती मती हम और लुका में कुछ रख दो, वापस हम लुका में आएंगे, आगे लुका में कहते थे वह अपन को ना दे हूं। या दृष्ट पीढ़ीचा अवस्था एखाद्या भूतग्रस्त मनुष्यासारखी झाली आहे, त्यातून भूत निघाले म्हणजे ते भूत काही काळ विसावा घेण्याच्या इरादाने ओझर राहण्यावर जाते। वो पहिला क्या करती है, विश्राम करती है, आणि ते पहिला विश्राम करते, विश्राम करती म्हणजे हम लोग विश्राम कैसे करते, आणि आपण विश्राम कसे करतो, बैठती है आणि बसतो, मग होती है बदन डालती, झोपतो, यानी उसको भी बदन है, म्हणजे तेरा सुद्धा अंग आहे, आत्मा है लेकिन शरीर नहीं है, लेकिन वो पूरे बदन में काम करती है, क्योंकि हमारे इस हाथ के द्वारा, हमारे इस पैर के द्वारा वो चलती है, तो उसको भी वो हमारे आँख के द्वारा देखती है, अरे दारू का दुकान, अरे बीड़ी का दुकान, अरे सिगरेट का दुकान, ये हमारी आँखों से देखती है, अपने रॉयल वाइफ आती है, बोलती पीना पीना, लेना सिगरेट, लेना सिगरेट, लेना, मग ते बोलते की पीन घेणार सिगरेट, अरे देख देख वो औरत किती सुंदर झाली, जरा नजर टाकले, आणि मग ती स्त्री किती सुंदर झाली, जरा डोळे टाक, हे वो आत्मा अंदर बैठकर आंखों से दिखवाती है, आणि ही आत्मा आतमध्ये बसून ती डोळ्यांना दिखवतो, दाखवतो, बैठती है ये हमारे शरीर के द्वारा, हां ती बसते आपल्या शरीराद्वारे, विसावा घेण्याच्या इराद्याने ओसाड राहत जाते, पण त्याला तिथे विसावा मिळत राहत जाते, जाते मग जायला काय करावं लागतं, आणि जाणे की काय करणं लागतं, चालावं लागतं, चलने नाहीतर उडावं लागतं, बरं उडणार आहे, कारण हे आत्मे कशी उडत जातात ना, आता उडते होईल जाते, म्हणजे आपल्याला काय बोलायचंय, त्यांच्या पंखांना, त्यांच्या पायांना, त्यांच्या बसण्याच्या सीटला, त्यांच्या शरीरात, त्यांच्या आत्म्याचं जे अवयव आहे त्यांना बांधायचं, आत्मा का जो अवयव उनको बांधणे, आपण फक्त जर हातच बांधला, बरं हाती बांधा तर तो असा सगळ्या मारत मारत येईल ना, तर माती माती आहे ना, मी जर समजा पाय बांधले, बरं पाय बांधा, हात बांधले, तू तो उडत उडत येईल, उडते उडते वेळ आहे का, म्हणून आपण पूर्ण उनके पंखू को भी बांधायला, आणि त्यांच्या पंखाला सुद्धा बांधायचं आहे, आणि मग ते म्हणते ज्या मनुष्यातून मी निघून आलो आहे त्यातच आता परत जाईन, परत जाईन चले आएगी, त्याप्रमाणे ते परत येते आणि त्याला त्या मनुष्याचे अंतकरण स्वच्छ पण रिकामे असल्याचे आढळून येते, मग ते आपल्यापेक्षा दृष्ट असलेली दुसरी आणखी सात होते आपल्या बरोबर घेते आणि त्या मनुष्यात शिरते, शिरते म्हणजे आत घुसते, ते शिरते म्हणजे त्याला आपला दरवाजा कोणता आहे, आपल्या आतमध्ये घुसायचा दरवाजा कोणता आहे, अंदर घुसले का दरवाजा कोणता आहे, हृदय आणि हे नाकाचे फुफडे, हृदय नाकाचं होल, नाका होल, ह्याच्यातूनच ते लोक घुसतात, घुसते म्हणून काय करायचं, काय करणे, बायबल सांगतं सर्वात अगोदर तुझ्या हृदयाची तू चौकशी, अपने हृदय का चौकसी है, अपने हृदय पर रोज यीशु का लहू लगा दो, आणि तुम्ही तुमच्या हृदयाची चौकशी करा, म्हणजे तुमच्या हृदयावरती नेहमी येशूचा रक्त लावा, येशूचा रक्त लावा, ताकि कोई आत्मा घुसे नहीं, तो उसमें से वो घुसती है, एक कोणताही आत्मा घुसू नये, अंदर आ जाती है, समझा, तो इसी कारण से वो कैसे घुसती है, हवा के जैसे, आणि ती हवेसारखी घुसते, अंदर आ जाती, आणि आतमध्ये येते, इसीलिए आज वचन के अनुसार उसमें वो क्या हो जाती है, जहां वो बैठ जाती है ना, असं लिहिलंय ना, मनुष्य शिरते, शिरते और वहां रहती है, इसीलिए इन क्रियाओं को उसको सबको बांध देने का, आणि या सर्व क्रियांना बांधायचं आहे, और भी वो अगर बंदी हुई रहेगी तो काम करेगी क्या, आणि बांधलेली असेल तर काम करेल का, नहीं ना, इसीलिए उसे बांधने के लिए प्रभु कहता है तुम बांधो, म्हणून तिला बांधण्यासाठी देव म्हणतो की बांधा, अभी हम 11वें अध्याय में जाएंगे, जो हम लुका का पढ़ रहे हैं, आता लुका अध्याय 11 मध्ये जाऊ, जो कंप्लीट
आणि कंप्लीट करून टाकू 21:22 हा त्यांचा 21:22 जोपर्यंत एखादा बलवान मनुष्य सर्व शस्त्र शस्त्रांनी सज्ज होऊन आपल्या वाड्याची रखवाली करतो तो पर्यंत त्याचा वाडा सुरक्षित राहतो. हाँ जब तक आप प्रार्थना रखवाली कर रहे हो, आप गार्ड कर रहे हो कि बाबा ये आत्मा मेरे अंदर वापस नहीं आना चाहिए, आप देखभाल कर रहे हो, उस आत्मा को लड़ रहे हो, उसको बांध रहे हो और आपका प्रार्थना का जीवन हो. क्योंकि क्या होता है अक्सर है ना, अभी जैसे उदाहरण मैंने गाली देना छोड़ दिया था, विषय देना छोड़ नहीं दिया लेकिन मैं प्रार्थना नहीं की इसलिए वापस वो मेरे पे अटैक कर दी. पर मैं प्रार्थना ना केले मैं ते कोना माझे वडे हमला करते हैं फिर गाली निकल आणि माझे पण तो खुशी नहीं. लेकिन अब मैंने मुझे मालूम है कि गाली देना ये मेरे अंदर का एक स्पिरिट है जो बचपन से मुझ में कार्य कर रहा था. आणि माझ्या मते माहिती झाले की आता जी शिवी देना ती आत्मा है ती लहानपणापासून माझ्या मध्ये कार्य करत होती इसलिए चिडती हूँ तो गाली निकलती है. आणि जेव्हा चिडती तेव्हा शिवी निकलते. इस आत्मा का हमेशा मुझे बांधना है आणि या आत्म्याला नेहमी मला बांधायचं आहे. आमचे मी तुझे बांधते येशूच्या नावामध्ये मी तुला बांधते. तू कहाँ रहती है ते कुठे रहते मेरे मुंह के अंदर माझ्या तोंडामध्ये. तू मेरे अंदर से नथनों से तो घुस जाती है लेकिन तू मेरे जबान पर मेरे होठों से काम करती है और गाली निकलवाती है. तो माझ्या नथनांद्वारे तर आत्मा घुसते पण माझ्या होठांद्वारे तो काम करते आणि शिवी देते. चिड दिलाती है मेरे मन पर अटैक करती है. मला चिड देते म्हणजे माझ्या मनावरती हमला करते. निकल जा निघून जा निकल गई हमें मालूम पड़ा भी मैं गाली नहीं दे रही हूँ मैं जल्दी गुस्सा नहीं कर रही. तो रोज बोलना है इस आत्मा को प्रभु मेरे अंदर कभी प्रवेश करने नहीं देना. मैं उसे बांधती हूँ यीशु के नाम से. उसके पूरे जितना वो स्पिरिट है वो एक अशुद्ध आत्मा है ना. एक अशुद्ध आत्मा है उसको पंख है तेरा पंख है उसको ताकत है तेरा ताकत है. सबको मैं यीशु के नाम से बांध कर उसके कार्यों को कलवरी क्रूस पर डालती हूँ जहाँ यीशु ने उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया. तो पहला विधि बांधना और उसके कार्यों को किधर डालना कलवरी क्रूस पर डालना. पढ़ो कुलसियों की पत्री कुलेशियंस चैप्टर फिर हम कैसे लुटना आता वो 11 अध्याय का हम पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा. 11 अध्याय चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहित न बना ले. हाँ, हमें इस विषय पे चौकस रहकर क्या करना है इन आत्माओं से हम वापस उसकी गुलाम होंगे ये नहीं होना है. 15:8 मतलब ना. और उसने प्रधानताओं और प्रधानताओं को और अधिकारों को जो हमारे ऊपर काम कर रही थी राज कर रही थी गाली मिला रही थी बीमार करा रही थी उनको ऊपर से उतार कर ऊपर से किसके हमारे ऊपर बैठी थी ना. आणि आपल्यावरती बसली. कोलोसियन चैप्टर 2:15 आणि कलसी कलस पत्र अध्याय 2 त्याचा 15 तुलसियों की पत्री निकालो बहुत सुंदर वचन है. कलसी कलस पत्र अध्याय 2 उसका 15 त्याचा 15 उसमें लिखा है वो कहाँ बैठी थी इधर बैठी थी और इधर बैठी थी इसलिए हम लोग बीमार हो रहे थे. गुस्सा दिला रही थी और गाली निकलवा रही थी. इसीलिए मुझे दारू पिला रही थी. दारू वाजत होती ना इसलिए दारू दिखाती थी. दारू दाखवायची आप उसको नीचे उतार आणि आता तिला खाली उतार. उनका खुल्ला खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा यीशु ने क्रूस पर क्या किया 3 किलो पर लटक कर उसका नाश किया ना पाप का नाश किया ना. उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई. हम भी यही करना है कि मैं हे शैतान दारू की आत्मा या गुस्से की आत्मा या कोई बीमारी बहुत साल से होती सोचो स्किन डिजीज होगी या सोचो आपको कोई कोढ़ का बीमारी होगा या कोई अन्य बीमारी अंदर कुछ अंदर से होगा या टीवी होगी या कोई भी बीमारी आप बोल सकते बोलना मैं तुझे निकल जाने की आज्ञा देता हूँ. निकल मेरे अंदर से ये शरीर परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है इसमें रहने का नहीं. मैं तुझे बांधता हूँ और तेरे गालियों को कलवरी क्रूस पर डालता हूँ. मेरे ऊपर अभी तो काम नहीं कर सकती मेरे अंदर अभी चलेगा नहीं तू अभी मेरे अंदर नहीं निकल निकल यीशु के नाम से निकल. उसको जब तक निकालेगा जब तक वो निकलती नहीं और फिर उसके कार्य चालू नहीं होना चाहिए उसके बांध दो उसको यीशु के नाम से मैं तुझे बांधती हूँ और उसके कार्यों को जो वहाँ लिखा है कलवरी क्रूस पर डाल देती हूँ जहाँ यीशु ने तेरे कार्यों का नाश किया. तो इतने दिन से मेरे जीवन में तू कार्य किए ना आणि एवढे दिवसापासून तू माझ्या जीवनामध्ये कार्य केलं तेरे कार्यों का मेरे जिंदगी में नाश हुआ आणि आता तुझ्या कार्याचा माझ्या जीवनामध्ये नाश झाला. वहां क्या लिखा है लास्ट लाइन
जय जयकार की मेरे अंदर अब जय जयकार है, माझा मध्ये आता जय जयकार विजयी हुई हूँ, आता मैं विजय झाली आहे, हार गई है, तो आगे का वापस आने का नहीं, माझा मध्ये कोणता यायचं नाही, बांधा आहे मी तुला बांधलेला आहे, कार्यो को कलवरी क्रूस पर डाला है, जहाँ खेले से तू जकड़ चुका है, तो आ नहीं सकता, नहीं तुझ्या कार्याला कलवरी क्रूस वर टाकलेला आहे, जैसे खेलेद्वारे तू जकडलेला आहे, तो पुन्हा येऊ नाही शकत, मालूम हुआ, इस रीति से प्रेयर कर कर आणि या रीतीने प्रार्थना करून हमें अपने आप को घर को सुरक्षित रखना है, आणि आपल्याला आपल्या स्वतःच्या घराला सुरक्षित ठेवायचं आहे, आपण लुका अध्यायामध्ये जाऊ, आता लुका अध्यायामध्ये या, पण जेव्हा एखादा अधिक बलवान, लुक अध्ये हम लोग 11 पढ़ रहे थे, लुक अध्ये 11 उसका भी हम 21 पढ़ा था, अभी 22 वचन पढ़ रहे हैं, त्याचा 21 वाचलेला आता 22 वचन वाचत आहे, ये आजचा वचन नाही था मेरा, आणि आजचा वचन नव्हता माझा, उधर बैठ के मैंने तैयार किया, आणि तिथे बसून मी तयार केलं, मैंने आज सुबह तैयार किया था ये, आणि मी आज सकाळी तयार केलेलं, पास्टर का आणि पास्टरांचं क्यू चर्च में पास्टर होना चाहिए, आणि काय चर्च मध्ये पास्टर असले पाहिजे, ये तयार किया आणि हे तयार केलं, प्रभू बोला आधा हो गया आधा आगे का सिखा, पण देवाने सांगितलं की अर्धं झालंय अर्धं पुढचं शिकव, गे हप्ते मी हे वचन लिया था आणि गेल्या आठवड्यामध्ये हे वचन घेतलेलंच की आगे का ये सिखा आणि त्याच्या पुढचं हे शिकव, आधा मत छोड़ तेरे बच्चों को आणि अर्धं सोडत नको तुझ्या मुलांना, श्री गे हप्ते का जो वचन आधा था उसका कम्प्लीट, अभी उसे भी आधा है, आधा नेक्स्ट फ्राइडे को होगा आणि त्याचा अर्धा पुढच्या शुक्रवारी होईल, तो इसीलिए हम अभी पढ़ेंगे वहां लिखा है, पण जेव्हा एखादा अधिक बलवान, हाँ अधिक बलवान यानी सोचो अब ये तो गाली का तो आत्मा में कमजोर हो गया है, आणि शिवीचा आत्मा निर्बल झाला, वो तो मी नहीं, लेकिन मेरे ऊपर कोई उससे भी ज्यादा आत्मा बलवान है, मेरे से भी ज्यादा यानी सोचो मैं गाली से भी बढ़कर कौन सा आत्मा है, खून का आत्मा, आणि कोणता आत्मा, मारामारी का आत्मा, मारामारीचा आत्मा आहे, या व्यभिचार का आत्मा किंवा व्यभिचाराचा आत्मा आहे, वो आत्मा अगर बलवान है, मेरे से भी बलवान है, मैं यानी बलवान, वो मुझसे बलवान कब हुआ, नहीं तो माझ्या पेक्षा बलवान केव्हा झाला, जब मैं प्रार्थना नहीं करता, जब मैं प्रार्थना नहीं करत, हम निर्बल कब होते, आपण निर्बल केव्हा होतो, जब हम प्रार्थना नहीं करते, बाइबल नहीं पढ़ते और हम उपवास नहीं करते, तो याद रखने का हम दुर्बल है, जेव्हा आपण प्रार्थना करत नाही, बायबल वाचत नाही, उपवास करत नाही, तेव्हा नेहमी लक्षात ठेवायला, तेव्हा आपण निर्बल होतो और वो बलवान हो जाता, आणि तो तेव्हा बलवान होतो, मालूम हुआ, तब इसलिए लिखा है कोई बलवान उससे भी बढ़कर बलवान, वह अधिक प्रभावी शस्त्र यानी उसके अंदर उसने पूरे हथियार इस्तेमाल किया, मेरे लिए जाल बुना मुझे लोहे करने के लिए, और मैंने उस विषय के लिए ध्यान भी नहीं दिया, अनसुनी किया कि अरे ये आत्मा मेरे पे अटैक कर रहा है, मेरे मन पे हमले हो रहे हैं, मैं बिगड़ते जा रही हूँ और मैं ध्यान कैसे नहीं दे रही हूँ, अब ये एकदम कर डाला मुझे, एकदम उसमें बोलते ना क्या कर डाला, गुंग मोहन कर डाला, ध्यान नहीं देने दिया, शस्त्र धारण करणारा वीर पुरुष त्याच्यावर हल्ला करतो, अगर उसने मुझ पर हमला किया तेव्हा तो त्याच्यावर जय मिळवितो, वो मुझ पर जय पाएगा, मैं गिर जाऊंगी, आणि त्याला निशस्त्र करून मेरे सारे शस्त्र जो इतने साल से प्रभु ने मुझे दिए थे, ताकत दी थी, मैं सत्य बोलती थी, मैं अच्छा जीवन जी रही थी, मैं बाइबल पढ़ रही थी, मैं बहुत अच्छी जी रही थी, सब कुछ चोरी की, मेरा सब ले लिया, मेरे पास जो पावर था परमेश्वर ने दिया था लोगों को चंगा करने, वो सब उसने ले लिया, सारा मेरा परमेश्वर ने दिया हुआ आत्मिक ब्लेसिंग वो उसने क्या लिया, खुद ले लिया, यानी मुझे निशस्त्र कर दिया, कारण त्याची सारी मालमत्ता लुटून घेतो, सारी मालमत्ता वो क्या करता है, मेरी जो मुझे मेरा वो प्रॉपर्टी है, वो मेरे मेरा संपत्ति है, वो उसने ले लिया, आणि जी माझी संपत्ती आहे तर ते घेऊन जातो, अगर वो लुटता है आणि जर तो लुटतो, अगर हम पर प्रबल हुआ तो आपल्यावरती प्रबल प्रबल झालं तर हम क्यों नहीं लुटे शैतान को, आपण का लुटू नाही शैतान, हमें अशुद्ध आत्माओं को जो हमसे निकल गई हमें उसे लुटना है, आणि जे आपल्यामधून निघून गेलेली अशुद्ध आत्मा आहे त्यांना सुद्धा आपल्याला लुटायचं आहे, बायबल में लिखा है कि फिरौन जो मिस्री लोगों ने अब तब तक अध्याय निकालो निर्गमन अध्याय एक्सोडस चैप्टर 3 हम देखते हैं कि मिस्री लोगों ने इसराइलियों को बहुत साल तक 400 साल तक क्या किया, गुलामी में रखा, आणि मिस्री लोकांनी इस्रायली लोकांना 400 वर्षांपर्यंत गुलामी मध्ये ठेवले, सही बात आहे, इसीलिए परमेश्वर ने देखो जब तुमको जय दिया, जेवा देवानी त्यांना जय दिला, इस्राइलियों को जय दिया मिश्र देश पर, इस्राइली लोकांना जय दिला मिश्र देशावर, गुलामी से बाहर निकाला, आणि त्या गुलामी मधून बाहेर काढलं, खाली निघाला, आणि खाली काढलं का पडो, आणि वाचत येते
इजिप्त देशातील स्त्रियांकडून व तुमच्या शेजारींकडून प्रत्येक इस्रायली स्त्रीने सोन्या चांदीचे दागिने व उत्तम उत्तम वस्त्रे मागून घ्यावे. काय लिहिलेलं आहे पुन्हा लाईन पुन्हा एक एक लाईन वाच. इजिप्त देशातील हा इजिप्त देशातील यानी शैतानाच्या राज्यातून स्त्रियांकडून व तुमच्या शेजाऱ्यांकडून हा शेजाऱ्यांकडून आणि स्त्रियांकडून. स्त्रिया यानी वही अशुद्ध आत्मा आहे और कोण जो शेजारी यानी हमारे साथ हमारे अंदर लेकर तकलीफ दिया उन आत्माओं को प्रत्येक इसराइली स्त्री ने प्रत्येक इसराइली यानी सोचो मैं प्रार्थना कर रही हूँ आप प्रार्थना कर रहे हैं मैंने जिस आत्मा को निकाला और डाटा और उसे बांधा उन हम सब इसराइलियों ने सोनिया चांदी से दागी नहीं उसको बोलना है तू इतने साल तक मेरे घर में रहा ना तो मेरा सब इतना मुझे सोना दे तू इतना साल तक मुझे लूटा मेरा कितना पैसा तू दारू पी के खत्म किया आणि किती पैसे माझे दारू पिऊन पिऊन संपवलेस उसके बदले में मुझे सोना चाहिए आणि त्याच्या बदल्यामध्ये मला सोना पाहिजे ठीक आहे सोना व उत्तम उत्तम वस्त्रे सिर्फ सोना की बात आहे चांदी सोना है फिर दूसरा चांदी और व उत्तम उत्तम वस्त्रे उत्तम से उत्तम कॉस्टली वस्त्र मागून घ्यावे उससे मांग के लेना उसको बोलना मुझे चाहिए मैं ये मेरा अधिकार है मैं तूने मुझे इतने साल से लूटा नहीं तो एवढा वर्षापासून मला लुटले वो मुझे चाहिए नहीं ते मला हवे मेरा है ते माझा आहे मुझे लूटा है तू मला लुटले अब मैं तुझे लूटती हूँ तुझे देख जा आणि आता मी तुला लुटते तू मला देऊन जा येशू के नाम से नहीं तो मैं तुझे आता गड्ढे में डालू आणि येशू के नाम से तू तुला आता गड्ढे में डालू देते ही जाना है नहीं तो मला हे देऊन जायचे परमेश्वर कार्य करेगा वहां ऐसा लिखा है पण ते त्याचं पूर्ण वाच घ्यावे तो व त्यांनी तुमच्या मुला मुलींना नटवावे काय केलेलं आहे पुन्हा वाचलेलं इजिप्त देशातील स्त्रियांकडून व तुमच्या शेजाऱ्यांकडून प्रत्येक इस्रायली स्त्रीने सोन्या चांदीचे दागिने व उत्तम उत्तम वस्त्रे मागून घ्यावे व त्यांनी तुमच्या मुला मुलींना नटवावे जो कुछ उसे लेना है उसे लूटना है जे काही त्यांच्यापासून लुटायचं आहे वो अपने बच्चों के लिए देना है ऐसा ही है ना बच्चों को नठाए सजाए ऐसे तुमच्या मुला मुलींना नटवायचं आहे पढ़ेंगे निर्गमन अध्याय 12 निर्गमन अध्याय 12 उसका 35-36 त्याचा 35 आणि 36 एक्सोडस चॅप्टर 12:35-36 निर्गमन अध्याय 12 त्याचा 35 आणि 36 आता मोशेने सांगून ठेवले होते हाँ मोजेस ने अभी बताया था ना हम लोग को सुना ना परमेश्वर ने मोजेस को बताया अब मोजेस ने हमको बताया अभी देखो परमेश्वर ने मोजेस को बोला था मोशे ने सांगितले ना मोजेस ने इस्राएलियों को बताया मोशे ने इस्राएलियों को बताया अभी प्रभु के दास के द्वारा आपको भी बताया गया आता देवाच्या दासाद्वारे तुम्हाला सुद्धा सांगण्यात आलं त्याप्रमाणे त्यांनी आपल्या शेजाऱ्यांकडून सोन्या चांदीचे दाग दागिने व उंची कपडे अगोदरच मागून घेतले होते देवाने इजिप्त वासियांच्या मनात इस्रायल लोकांविषयी आदर निर्माण केला होता म्हणून त्यांनी मागितले ते सर्व काही इजिप्तच्या लोकांनी इस्रायलांना दिले यामुळे इजिप्तचे लोक अक्षरशः कंगाल झाले अक्षरशः इस्रायलियों ने उनको इतना लूटा कि वो क्या हो गए कंगाल हो गए तो हमें भी यही करना है आणि इस्रायली लोकांना त्यांनी एकदा एवढं लुटलं की ते लोक काय वाली कंगाल झाले आपल्याला सुद्धा हेच करायचं आहे आम्ही बोलणार आहे अशुद्ध आत्मा को हमारी तू इतने साल से मेरे अंदर लेकर मेरे पति के अंदर लेकर सोचो सुनीता बोलती है मेरे पति के अंदर तू लेकर इतने साल से दारू पिलाई दारू का इतना लुटा तूने वो लुट रख के जा आणि त्या बोलतात की तू माझ्या घरामध्ये एवढ्या वर्षांपासून राहून तू त्याला दारू पाजली तू आता निघून जा आणि जे काही तू लुटले ते आता इथे ठेवून जा सोना चांदी देते जाणे काय आणि सोन्या चांदी देऊन जायचं आणि वस्तू देते जाणे आणि मौल्यवान वस्तू देते आहे नाम से रखे जा आणि येशूच्या नावामध्ये ठेवून जा परमेश्वर करवाएगा उस आत्मा से वो करवा के दिलवाएगा आणि देव ते आत्म्याकडून करून ते देईल सिर्फ इतना है उसको बांधना किस काम के लिए वापस अटैक नहीं करे तारण नहीं करे आणि फक्त तुम्ही त्याला बांधा की त्यांनी पुन्हा तुमच्यावरती हमला करू नये आप जो बोलोगे दुष्टात्मा अशुद्ध आत्मा सुनेगी येशू ने ऐसा ही कहा तुम जो बोलोगे वो सुनेगी आप उसको जब बोलते जाग हो जाएगी आप उसको बोलोगे मेरा सारा देकर जाना है तो देकर जाएगी आणि जेव्हा तुम्ही दुष्टात्माला काय बोलता तेव्हा येशूने सांगितले की ते तुमचं आहे की जर तुम्ही त्याला म्हणता की जा आणि माझं सर्व काही देऊन जा तर ते निघून जाईल आणि तुमचे जे काही आहे ते तुम्हाला देऊन जाईल उसने हमें लूटा लुटे वो तो हमारा हक है अपना हक है उसने हमको लूट
जो आत्मिक जीवन उसने कितना बार हम जो पाप छोड़ दिया और बाद में हम इतना मेहनत से उपवास प्रार्थना करके इतना आत्मिक जीवन बनाया और उसने वो लूट कर वापस हमको गंगा फिर शून्य किया, फिर हम आत्मिक जीवन बनाते फिर हमको गिराता है। कितना दुष्ट है ना वो, है ना? और हम कितने मूर्ख ठहर जाते हैं, आत्मिक जीवन मेरा खराब हो गया, मैं शून्य हो गई, मैं इतनी बड़ी हो गई थी, अब मैं कंगाल हो गई, निर्वस्त्र हो गई, हरे कुछ भी नहीं रहा, अब मुझे वापस उसे बनाना है। पण आत्मिक जीवन माझं शून्य झालं, मी आता कंगाल झाले, जे माझे वस्त्र होते ते सुद्धा गेले, जे काही माझ्याकडे होतं ते सर्व काही गेलं आणि आता मला ते पुन्हा बनवायचं आहे। प्रियो, आज परमेश्वरचं वचन आपको यही सिखाता आणि देवाचं वचन आज तुम्हाला हे शिकवतो आणि यही करना है आणि हेच करायचं सुद्धा आहे। हालेलुया 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 हालेलुया। तो कोई है अशुद्ध आत्मा है आपके अंदर? आणि कोणी आहे अशुद्ध आत्मा तुमच्यामध्ये? देखना है कौन से आणि पाहायचं आहे कोण कोण आहे आपको अच्छा है आणि माहित आहे तुम्हाला तर चांगलं आहे। प्रभू की स्तुती, देवाची स्तुती। लेकिन कुछ लोग नहीं आए हैं, पण काही लोक नवीन आले, बहुत साल के बाद अभी चर्च आना चालू किया है, काही लोकांनी खूप वर्षांपासून आता चर्च मध्ये यायला सुरू केले, तो उनके लिए खास पढ़ के बताएंगे आणि त्यांच्यासाठी खास वाचून दाखवू। रोमियो की पत्री निकाल, रोमकरस पत्र काढा, अध्याय 13 रात्र संपत आली आहे, दिन खतम हो, रात खतम हो गई, त्याचा येण्याचा दिवस लवकरच येऊ ठेपे, येशूचा दिन निकट आ चुका आहे आणि काय म्हणून अंधाराचे दृष्ट कृत्य लवकर सोडून द्या। अंधारे के यानी बुरे, अंधार का कौन सा काम है, जो अंधेरे का काम जो हमारी जिंदगी में वो करता है वो कौन सा काम है, वहां बताया है एकदम स्पष्ट रीति से अंधेरे का काम। अंधेरा क्या है आणि अंधार काय आहे? शैतान, अशुद्ध आत्मा, अशुद्ध आत्मा। आणि प्रकाशात राहणाऱ्यांनी वागावं तसे वागा। अभी आप सब प्रकाश में रहते हो, मैं भी प्रकाश में है ना, हमें कैसा रहना चाहिए वैसा रहना चाहिए। नीतिमय जीवन जीवनाचे चिरकत चढवा, प्रतिमान हमें नीतिमत्व का यानी धार्मिकता का हम जिलम पहनना चाहिए। प्रत्येक गोष्ट शिष्टाचार धरून व सत्याने करा। हाँ, जो कुछ तुम काम करोगे सही बाइबल के अनुसार सही है और सत्य से करना, म्हणजे सर्वांना तुमची वागणूक मान्य होईल और आप लोगों के लिए ग्रहणी हो गया। बहुत से लोग एक दूसरे मसीह को ग्रहण नहीं करते ना, आणि आज खूप सारे लोग ग्रहण करत नाही, ख्रिस्ती ख्रिस्ती कोई ग्रहण नहीं कर पाते, ख्रिस्ती ख्रिस्तीलाच ग्रहण करून येऊ शकत, व्यवहारिक अलग होत आहे कारण त्यांची वागणूकच वेगळी असते। ओवर प्यार दिखाएंगे अपने बच्चों पर, ओवर कुछ एक्टिंग करेंगे तो इसी कारण से मैच नहीं हो पाते हैं आणि जास्तच काहीतरी त्यांच्या मुलांवरती प्रेम करतील, जास्तच काहीतरी करून म्हणजे ते लोक मॅच होत नाही, इसलिए ग्रहण नहीं करते ना, म्हणून ग्रहण करत नाही। भगवती आता येणारे चला पटकन पळा, अरु आणि वली आम्ही भाग जाऊ, की वो भी पकडे घेऊ गया आणि त्यांनी पकडले तर मागं गेले। कोई लोगों के साथ बैठना उनको लोगों को अच्छा नहीं लगता आणि काही काही लोकांसोबत बसणं हे लोकांना आवडत नाही। दंगली, मध्याचा दंगली, पहिला दंगली, दंगली दंगली आणि मारामारी आणि दंगल म्हणजे मारामारी, एक दुसरे के विरोध करना, एकमेकांच्या विरोधात करणं, या फिर हिंदी में क्या दिया है, लीला क्रीडा, अच्छा लीला क्रीडा दिया है। लेकिन दंगल मतलब क्या है मालूम, बहुत लोग जमा होकर वहाँ एक दूसरे से लड़ते हैं, फूट रहती है, फूट असते, मतभेद होते हैं, मतभेद असतात, जुड़ते नहीं, जुड़त नहीं, वो वैसा एक दूसरे से जॉइंट न होना आणि एकमेकांशी न जोडणं दंगल रहेगा तो वहां जलन होता है आणि दंगल असते तिथे जलन असते। मध्याचा धुंदी, मध्य यानी दारू पीना आणि मध्य म्हणजे दारू पीना, उसमे त्याच्यात व्यभिचारात, तो व्यभिचार अगर व्यभिचार है तो मतलब देखो आप दंगल करते हो, फूट करते हो, जलन करते हो तो ये स्पिरिट आपके अंदर ये अशुद्ध आत्मा है, अगर आप दारू पीते हो तो ये आत्मा आपके अंदर है। और अभी क्या पड़ा, व्यभिचार, व्यभिचार अगर आप करते हो, किसी को गंदी नजर से देखते हो, गंदे गंदे वीडियोस देखते हो, गंदी गंदी बातें देखते हो, गंदा अश्लील शब्द गंदा मुंह से निकालते हो, तो आपके अंदर व्यभिचार की आत्मा है।
कामा सके हमेशा सेक्सुअल रिलेशन के बारे में सोचते रहना और उसी की इच्छाएं रखना, उसे कहते कामा शक्ति। यानी वही स्पिरिट है जो मनुष्य को हमेशा उसी में ध्यान लगाए रहता है और वही करना, वही रिलेशन में हमेशा उस व्यक्ति को रखता है। एक आत्मा है त्या व्यक्ति ला त्या जवळते मध्ये ठेवते, स्पिरिट है वो। एक आत्मा है, अशुद्ध आत्मा है, अशुद्ध आत्मा है। पत्नी का रिलेशन पवित्र है आणि नवरा बायकोचं रिलेशन पवित्र आहे, लेकिन हमेशा वही सोच में वो करा करते रहते, रिलेशन करते रहते, वो किसी के बारे में देखते नहीं कि ये मेरी बीवी है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी बहन है, ऐसा नहीं। उसके वो हमेशा ये विचार आएगा, अच्छा ये लड़की अच्छी थी, ऐसा लगा ये चाहिए, वो सोचेगा नहीं अरे मेरी बेटी है, अरे ये मेरी बहन है, अरे ये मेरी पड़ोसन है, मेरे पड़ोस की बीवी है। वो जो आत्मा रहता है ना, वो हमेशा गंदा सोच लाता है, भोग लेने के लिए सोचता है। इसलिए वो एकदम मराठी में एकदम करेक्ट शब्द है कलह। कलह यानी आपस में झगड़ा करना, फूट डालना, वैसा वाला। तो अगर आप फूट डालते हो, आप किसी के साथ ज्वाइन नहीं होते हो, तो समझ जाने का वो आत्मा आपके अंदर है। ऐसा तुम्हें फूट डालता कि कोने से जरूरत नहीं, तो तुम्हें लोग समझो जब आत्मा तुम्हें मध्य आई वो मस्तर अपना बेर व्यर्थ दर्द नाता। मस्तर यानी दाह, यानी क्या लिखा है दाह, यानी कैसा मालूम, जैसे सोचो इसका भी, सोचो इसका अच्छा हो रहा है, इसका तो चांगला होता है, अच्छा नहीं लग रहा, मतलब चांगला वाटर थे शब्द बताते शब्द सांगते, कोई आपको खाना देता है, देखता है उसे दहास की नजरों से, तो आपको उल्टी करके आपको निकालना पड़ता है। जब कोई तुम्हारे जेवन देता है ऐसा पात रहता, तो तुम्हारा की उल्टी को काढ़ावा लगता है, तो दहा उसमें भी आ जाता है। इसीलिए जो लोग आप पे दहा करते हैं उनको तकलीफ होता है, इसलिए वो हमेशा उल्टी करते रहते हैं, इच्छा नहीं है, इच्छा नहीं है, यशी यशी, क्योंकि उनके अंदर दहा है। लोग तुमच्या विषय मसाला मध्ये असतात, ते नेहमी उल्टी करत राहतात, ते लोक चांगले नाही, कारण त्यांच्यामध्ये मसर आहे, अशुद्ध आत्मा आहे, आणि ते अशुद्ध आत्मा आहे जो यहाँ अंधकार का काम बताय, जे ते अंधकाराचं काम सांगते आहे। काम बताते अजून सांगते, गलतीयुक्ती पत्री, गलती करण पत्र अध्याय पाच, अध्याय पाच उसका 19, त्याचा 19। शरीर के काम तो प्रकट है, हाँ, शरीर के काम, शरीर में कौन से अशुद्ध आत्मा के काम है वो दिखाई देते हैं। अर्थात व्यभिचार, व्यभिचार बहुत सारे प्रकार है, आप सबको मालूम है व्यभिचार, अपने पति के सिवाय पत्नी के सिवाय बाहर रिलेशन रखना व्यभिचार है। गंदे काम, गंदा गंदा काम, किसी को लूटना, चोरी करना, मर्डर करना, हत्या करना, झूठ बोलना, निंदा करना, इसे गंदे काम कहते हैं। काम न करना इसे भी गंदा काम होते हैं। लुचपन, लुचपन जो मैंने अभी आपको बताया, हमेशा गंदे सोचों में रहते वैसा। मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा यानी परमेश्वर है, परमेश्वर है वो मूर्ति में नहीं रहता, और आज संसार में सब लोग मूर्ति पूजा करते हैं, उनको लगता है यही हमारे ईश्वर है, यही हमारा भगवान है, लेकिन जब भी उसमें परमेश्वर नहीं रहता, परमेश्वर मूर्तियों से घृणा करता है, परमेश्वर ने सारे लोगों को जिंदा बनाया, इसलिए वो कभी भी मूर्ति में नहीं रहेगा। और इसीलिए बहुत लोगों को बुरा लगता है कि अरे क्रिश्चियंस लोग चर्च में जाएगा तो वो लोग हमारा मूर्ति को निकालने को बोलते हैं, हमारे देवी देवताओं को निकालने को बोलते हैं, लेकिन है ही नहीं, तो जो सत्य है वो ही सत्य बताते, बाइबल हमें यही बताता है। अभी चर्च में आए तो बोला, तो चर्च में आने के बाद जो यहाँ ये पुस्तक जो दी गई है बाइबल, उसी के अनुसार चलना। चर्च में आने तो जब मेरा बाइबल देने का रहता है, तो अनुसार चलेगा। अगर मसीह में आप चर्च में आने के बावजूद भी आप मूर्ति पूजा करते हो, तो यानी वो आत्मा आपके अंदर है। मूर्ति पूजा करता मुझे, तो आत्मा तुमच्या मध्ये आहे, तो ना जादू टोना करते, यानी भक्तों के पास जाते हैं, अरे आप मैं यीशु की हूँ, फिर भी आप जादू टोना करते हो, तो इसका मतलब वो आत्मा अंदर है। तुम्हें जादू टोना करता तरी सकता की आत्मा तुम्हारे मध्ये आहे। बैर यानी आप एक दूसरे से दुश्मनी रखते हो, एक दूसरे के विरोध में बोलते हो, तो इसका मतलब है बैर की आत्मा आपके अंदर है। झगड़ा, आप झगड़ा करते हो, तुम्हें भांडण करता, तो झगड़े की आत्मा है, तो भांडण की आत्मा है। मैं ये क्यों बता रही हूँ, मैं ये क्या सांगते हैं, प्रार्थना करके छोड़ के जा सकती हूँ आपको, प्रार्थना करूँ छोड़ तुम्हारे जाऊ सकते, हमें अभी निकालना है, पर आप ये काढ़ायचा आहे बस में है ना, उपास ना होता निकालेंगे ना, काढून चाहिए क्या वो आत्मा है, पाहिजे का तुम्हारे प्यार में, नहीं पाहिजे का नहीं ना,
बोलना है यीशु के नाम से ये निकल जाए झगड़े, अभी मैं झगड़ा कर रही हूँ, मैं भांडण करती हूँ, मेरे मुझे मालूम है अभी मेरी आत्मा मेरे अंदर है, अभी मैं ये सुनते सुनते मैं भी देख रही हूँ इसमें से कौन सी स्पिरिट कौन सी अशुद्ध आत्मा मेरे अंदर है क्या, अरे वास्तव में सुन रहा है कि माझा मध्ये ऐसी कौन सी आत्मा आई, मैं भी बोलूंगी मेरे अंदर जी झगड़े की आत्मा मैं तुझे बांधती हूँ, मैं सुधा बोली की माझा मध्ये भांडण चाहते हैं तुला बांधते हैं, यीशु ने अभी कहा कि तू उसे बांधो उसको रोको इसलिए मैं तुझे तेरे कार्यों को कलवरी क्रूस पर डालकर नाश करती हूँ निकल जा मेरे अंदर, अरे यीशु ने आता सांगितलं की करत्यांना आडवा चोर पकड़ा गया तो चार पट देता है सात पट भरना पड़ता है, चार पटी देते सात पट भरायचा आहे, तो अगर आप चार पट मांगोगे चार पट देगा, सात पट मांगोगे तो सात पट देगा, चार पट मांगेगा तो चार पट देगा, सात पट मांगेगा तो सात पट देगा, आपको आत्माओं को पकड़ कर उसे बोलना है मुझे देके जा, खुला नहीं करूंगी तुझे किधर भी जाने नहीं दूंगी तुझे मैं बांध के चलूंगी, तो बंद मैं तुला सोड़ना नहीं करूँ पर तुला बांधना ठेवे देने के बाद भी छोड़ना नहीं उसको, आई दिला ना तो सुधा तेरा सोड़ा नहीं है, सुन रहा है तो आयुक्त है ना, लेकिन छोड़ उसने दिया भी हमारा ऐसे नहीं आपने दिला सुधा आशीर्वाद, अभी हम उसे छोड़ना नहीं तभी सुधा आपने तेरा छोड़ नहीं, क्योंकि बाइबल में लिखा है उन मिस्रियों को परमेश्वर ने आगे क्या लिखा नाश किया, कारण बाइबल में लिखे देवानी के मिस्री लोगों का पूरे नाश किया ना, कहां पर लाल समुद्र में, लाल समुद्र में हमें भी क्या करना है उस आत्मा को सिर्फ बांधे रखकर छोड़ नहीं देना, आगे हमारा सारा लूट हमको दे दिया बोलकर छोड़ना नहीं उसको नाश करो, आपने लूट दी हमारा हमारा जो माल है हमको मिल गया, आपने जो माल है तो फिर अथा गड्ढे में डालो, तो तेरा अथा गड्ढे में डालता आत्माएं अथा गड्ढे में जाने के लिए डरती है, अथा गड्ढे में जाने से डर क्योंकि वहाँ टॉर्चर होता है उनको, कारण के लिए सताव होता है उनको बहुत तकलीफ होता है, तेरे तरह खूब त्रास होता है वहाँ वो रहना पसंद नहीं करती, तेरे तरह रहना आवड़त नहीं, इसलिए उनको जानवरों का शरीर इंसानों का शरीर चाहिए, इसलिए जानवरों में भी भूत रहते हैं, जानवर कुछ गलत कभी कभी चलता है गलत गलत इस्तेमाल करता है गलत रीति से घर में रहता है, जानवर वाइट रीति नहीं घर में रहते हम कुत्ते को बोलेंगे इधर ये नहीं करना कुत्ता उधर ही जान कुछ के करेगा तो समझ जाने का इसके अंदर दुष्टात्मा है, कुत्ता मार खाता है दुष्टात्मा ऐसा ही रह जाता है, कुत्ता मार खाता है दुष्टात्मा असच राहतो, हां कुत्ते को मारते है ना कारण आपण कुत्र्याला मारतो, हाय तुला बोलले ना ऐसा विचार आहे फ्यूजर में हम उसको मारते है आणि विना कारण आपण त्याला मारतो जबकि वो दुष्टात्मा कराती है, ते दुष्टात्मा ज्याच्याकडून करून घेत असत, बिल्ली में आती है, माधरे में येतं, कुत्ते में आती है, कुत्र्या मध्ये येतं, सुअर में आती है, डुकरां मध्ये येतं, गाय में आती है, गाय मध्ये येतं, बैल, बैल, भैंस, म्हैस, है ना, आप लोग कभी कभी सोचते हैं ना ये भैंस मेरे बदन पे दौड़ पे आ रही है इसके ऊपर तो समझ जाने का उसके अंदर वो स्पिरिट होती है इसलिए वो दौड़ रही है, कभी कभी ती म्हैस तुमच्या अंगावरती धावून येते तर विचार समजून जा की ती म्हैसेमध्ये दुरात्मा घुसलेला आहे, कभी कभी कोई कोई भैंस देखो दूध निकालने ही नहीं देगी लात मारेगी टुक, आणि कोणती भैंस दूध काढायला देणार नाही लात मारेल, मिश्रा बाई को भी बोलना चाहिए उनकी भैंस के गाय के अंदर से दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए दूध निकालनीच नहीं देती, नहीं दूध काढायलाच देत नाही, ब्लेसिंग है ना दूध आणि आशीर्वाद आहे दूध और वो निकालनीच नहीं देती आणि ती काढूनच देत नाही, तो ये याद रखो आज हमारा परमेश्वर ऐसा हमें सिखाता है आणि आज आपले देव आपल्याला शिकवत आहे, आगे ईर्ष्या, ईर्ष्या यानी हम एक दूसरे पे जलन करना, क्रोध, गुस्सा करना, बहुत गुस्सा करना, विरोध, विरोध करना, तू ऐसी नहीं मेरे को तेरे साथ नहीं रहना, फूट, फूट हमेशा तो एक दूसरे से अलग रहना, विधर्म, विधर्म यानी वचन के अनुसार नहीं चलना अपनी मर्जी से चलना, डाह, डाह तो मैंने अभी थोड़े समय पहले बताया, मतवालापन, मतवालापन यानी दारू पीना, लीला टेढ़ा यानी गंदे गंदे काम, गंदे जगह में जाना, वेश्याओं के साथ जाना, वेश्याओं के साथ सोना, घर उसे कहते हैं लीला टेढ़ा, रात भर गंदा काम करते रहना, जो जो वीडियोस गंदे देखे वो सब उसे कहते हैं लीला क्रीड़ा, ऐसे ऐसे काम है
जो अशुद्ध आत्माएं इंसानों में रहकर करते हैं। आणि असे काम आहे जे अशुद्ध आत्मे माणसांमध्ये राहून ही काम करून घेतात। और भी मैं आपको बताती हूँ, आप झूठ बोलते हो तो झूठ की आत्मा भी है। जो तुम्हें खोटे बोलते हो तो खोटे से सुधा आत्मा है। आपको दान दशांश देने की इच्छा नहीं आती तो समझ जाने का दान दशांश न देने वाली आत्मा है। दान दशांश देने की इच्छा होती तो समझ जाएगा की दान दशांश न देने वाली आत्मा है। चर्च में आने की इच्छा नहीं होती समझ जाने का चर्च में न आने देने वाली अशुद्ध आत्मा है। चर्च मध्ये येऊन देते तो समझ जाएगा की चर्च मध्ये न येऊन देणारी आत्मा है। प्रार्थना करने नहीं देती तो समझ जाने का प्रार्थना करने न देने वाली अशुद्ध आत्मा है। प्रार्थना नहीं तो समझ जाते कि प्रार्थना न करूं देनारी आत्मा है। प्रार्थना करते समय आपको नींद देती है तो समझ जाने का आपकी अंदर नींद की आत्मा है। प्रार्थना करता है तुम्हारा झोप देते तो समझ जाते कि प्रार्थना में झोप देनारी आत्मा है। वचन सुनने नहीं देती, वचन के समय में नींद देती है क्योंकि मैंने बहुत जनों को देखा है संडे के दिन में भी और उपवास प्रार्थना में बहुत से जन सोते, उनके अंदर वो नींद की आत्मा है जो उन्हें वचन सुनने नहीं देते। पहले तो मैं सोचती थी जान बहुत थक गए इसलिए लोग नींद आता है, इधर आराम मिलता है ना, लेकिन प्रभु बोलता है अरे आराम वचन तो जाता है ना, वो नींद की आत्मा उन्हें सुनने नहीं देती। आई तो वैसे आपको जाना आई को देते हैं मालूम हुआ। तो ऐसे बहुत सारी आत्माएं हैं, ऐसे खूब सारे आत्मा है विभेदन करना, विद्रोह करना, विद्रोह करना आत्मा, बलवा करना आत्मा, निंदा करने वाली आत्मा, निंदा करने आत्मा, वचन पढ़ने न देने वाली आत्मा, वचन वाचन न देने वाली आत्मा, वचन में कोई इंटरेस्ट देती नहीं है, वचन मे का रस दे पढ़ने न देने वाली आत्मा, वाचन न देने वाली आत्मा। आपके बच्चे पढ़ते नहीं ना, एक तुमसे बोला वाचन देते ना बाइबल नहीं, पढ़ाई 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 करने भी नहीं देती है ना। आप जैसे उधर करू देते हैं आता केलं ना आता नको तो उद्या कर देना सर होमवर्क नंतर कर दे और अभी क्या अभी बात नहीं करूँ क्यों, हमारे मसीह बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो फिर बड़े स्थान पे कैसे आएंगे। अरे आपने क्रिस्टी मूल सर शिकनर नहीं तो मोटे स्थान पर कैसे जाना है ना। तो वो एक आत्मा रहती है जो उनको पढ़ने नहीं देती है, एंड एक आत्मा से जिन्हें शिकू देते हैं। और जबकि बाइबल कहता है कि विश्वासी मसीह लोग पृथ्वी के अधिकारी हो गए, जज हो गए, वकील हो गए, डॉक्टर हो गए, न्यायाधीश हो गए, गवर्नमेंट ऑफिसर हो गए, ऐसे सब स्थान पे रहेंगे, पुलिस डिपार्टमेंट में रहेंगे, ऐसे सब बड़े बड़े स्थान पे रहेंगे तो जज को कितना हेल्प है। बाइबल सांगतो की ख्रिस्ती लोक पृथ्वीचे वतनदार असेल आणि जर ती लोक अशा मोठ्या ठिकाणी राहिले तर चर्चला किती सहाय्य होईल। लेकिन पढणे नाही घेते बच्चों को, पैसे को देत नाही मुलांना, पढणे को नाही येतो मुलांना, पैसे पाहिजे घेतात ऐसा मूर्ख है। आणि आज कोणत्या देवतात आपको समजा तुम्हाला समोर जबरी ठेवून बच्चों आणि एक आत्मा आहे त्या मुलांमध्ये चेक करो इसलिए बोलते ना आत्मा परखने का दान मिलना चाहिए बस। मुझे ना आत्मा परखने का दान भेटला पाहिजे, वो मिला ना तो हम बराबर से एक एक स्पिरिट को पहचानेंगे। नहीं तो भेटला तर आपण एक एक आत्म्याला ओळखून घेऊ। हालेलुया हालेलुया। अभी आपके अंदर कौन सा है, नहीं तुमच्या मध्ये कौन सा है, मुझे मत बोलो अभी आपको उठा के उसको आणि आता ते आत्म्याला ओरडा। आप झूठ बोलते हो, गाली देते हो, निंदा ओ जो कुछ बोलना, हाँ मैं अभी तेरे को पकड़ लिया रे, तू मेरे अंदर है आणि तुम्ही आता त्याला बोलला की मी आता तुला पकडून घेतील आणि तू माझ्यामध्ये आहेस, अब मैं तुझे बांधता हूं, आता मी तुला बांधतो येशू के नाम से, येशू के नाम से निकल मेरे अंदर से, चल निघून जा माझ्या शरीरातून, से चला जा माझ्या शरीरामधून निघून जा, जैसे आया जसा आला वैसे ही जाना है, तसंच जायचं आहे। तेरे सारे कार्यों को मैं कलवरी क्रूस पर डालकर नाश करता हूँ, तुझे सर्व कार्यांचं मी कलवरी क्रूस पर टाकून नाश करते। इतने साल से तू मेरे अंदर था आणि एवढ्या वर्षांपासून तू माझ्यामध्ये होतास, बेफिजून मेरा भाडा तक तू मुझे दिया नहीं, नहीं तो माझा भाडा सुद्धा मला दिला नाही, तो मुझे भाडा देके जाने का आणि मला भाडा देऊन जायचा। इतना साल से राहा ना घर में, एवढ्या वर्षांपासून राहिलास पण कोणी घर में रहता है क्या, फुकट मध्ये कोणी घरामध्ये राहतं का, वो घर इस उसका था क्या, यानी तो घर कैसा होता था, वो इतना साल से रहा यानी भाड़ा देना चाहिए ना उसने, तो एवडे वर्षापासून राहिला मुझे त्याने भाडे दिला पाहिजे, ये कानून है ना इधर का, आणि हे नियम है इथलं। किसी के भी घर में रहते तो हम लोग क्या करते भाड़ा देते हैं ना, आणि कोणाच्या घरामध्ये राहतो तो आपण भाडा देतो, म्हणजे तू इतने दिन से परमेश्वर के घर में रहा चल भाडा देके जा, आणि त्याला बोलायचं एवढ्या दिवसापासून तू देवाच्या घरामध्ये राहिलास भाडा देऊन जा, जे तू बचपन से दारू पिलाता ना, बचपन से मेरी दारू तुम्ही इतने पिला पिला के मेरा कितना पैसा गया, वो सारा सोना चांदी और बहुमूल्य वस्त्रों के द्वारा मुझे दे के जाना है। आणि तो लहानपणापासून मला दारू पासत राहिला, किती पैसे त्याच्या मागे मला माझे गेले, तर तुला मला सोना चांदी आणि मौल्यवान वस्त्र वगैरे देऊन तुला जायचं आहे, हिसाब लगाता तो करोड़ करोड़ आता मेरा, आणि हिशोब लावला असता तर करोड़ आले असते माझे, करोड़ों को मैं दे के जाने का है, आणि करोड़े तुला देऊन जायचे आहेत मला, आरोपी सात गुना आणि ते पण सात पटीने, चार गुना चार पट जो पटा बोलोगे उसका, बाइबल के अनुसार चार और सात है, आणि बाइबल अनुसार चार आणि सात पट आहे। जुने करार में परमेश्वर ने बोला चोर पकड़ा गया तो चार पट, और प्रोवर्ब्स ने बोला है सात पट, आणि जुन्या करारमध्ये बोलले की चोर पकडले तर चार पटीने, आणि नीतिसूत्र मध्ये म्हणण्यात आले की सात पट, आपकी इच्छा है तुमची इच्छा। हालेलुया हालेलुया। हम लोग अपने घुटनों पर आएंगे, आता आप घुटियों घुटनों पर नहीं आते, वो खड़े रह जाना है, घुटियों के नए टाइम उभर आए जाएगा,
घुटने पर नहीं आए तो भी चलेगा। बाकी के लोगों ने प्रेयर करना है, अपने एक एक स्पिरिट को बांधो, पकड़ो और उसे निकाल डालो, निकल जा यीशु के नाम से, निकल जा, वापस मेरे अंदर आने का नहीं, मैं तुझे आते देता हूँ, मेरे अंदर नहीं आने का, वापस आया ना मैं तुझे आधा घंटे में डाल दूंगा, याद रखना वापस आने का नहीं, निकल यीशु के नाम से, मैं तुझे बांधता हूँ, तेरे कार्यों को कलवरी क्रूस पर डालकर नाश करता हूँ, और अभी इसी घड़ी मेरे अंदर से निकल जाने की आज्ञा देता हूँ, और यीशु के नाम से मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, मेरा सारा नुकसान तुझे भर के देना है, इतने साल से तूने मुझे लूटा, वो सारी लूट रख के जाना है, यीशु के नाम से सोना चांदी बहुमूल्य वस्त्र और नाना प्रकार की वस्तुओं से तू मुझे दब के जाना है, यीशु के नाम से मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, छोड़ूंगा नहीं तुझे, सब सब मेरा दे लौटा दे, यीशु के नाम से तुझे आज्ञा देता हूँ, यीशु नासरी के नाम से तुझे आज्ञा देता हूँ, नहीं तो मैं तुझे अटाक गड्ढे में जाने की आज्ञा दूंगा, यीशु के नाम से तुझे मेरी आज्ञाओं का पालन करना पड़ेगा, नहीं साल से तू मुझे तकलीफ दिया उसकी हानि भरपाई करके जाना है, यीशु के नाम से भरपाई करके जाना है, चोर जब पकड़ा जाता है तो उसे 4 पट और 7 पट से देना जरूरी है, इसलिए वचन के अनुसार मैं तुझसे मांग रही हूँ, मुझे दे के जाना है, वो मेरा अधिकार है, ऐसा ही मेरा लूट लेके भागना नहीं है, मुझे दे के जाना है, दे के जा, यीशु के नाम से दे के जा, मेरे मान पवित्र पिता यीशु के नाम से प्रभु, पवित्र पिता लीला क्रीड़ा सीधा चालना दे, चलने न देने वाली आत्मा, पियकड़ की आत्मा, व्यभिचार की आत्मा, लुचपन की आत्मा, झगड़े की आत्मा, डाह की आत्मा, व्यभिचार की आत्मा, गंदे काम करने वाले, लुचपन, मूर्ति पूजा, जादू टोना, वैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवाला, लीला क्रीड़ा, साथ साथ प्रार्थना करने न देने वाली आत्मा, बाइबल पढ़ने न देने वाली आत्मा, वहाँ यहाँ तक बच्चों को एजुकेशन लेने न देने वाली अशुद्ध आत्मा, मोबाइल की गुलाम कराने वाली आत्मा, गंदे गंदे वीडियो देखने वाली आत्मा, एक एक अशुद्ध आत्माओं को हमने यीशु के नाम से बांध दे, यीशु के नाम से हर एक के शरीर से निकल जाने की आज्ञा दे, निकल यीशु के नाम से, तेरे कार्यों का कलवरी क्रूस पर डालकर नाश कर दे, जहाँ यीशु मसीह ने तेरा खुल्ला खुल्ला तमाशा बनाकर नाश किया, और प्रभु यीशु के नाम से विजयी कर, हाँ प्रभु जय जयकार की ध्वनि सुनाते, धन्यवाद देते मेरे मान पवित्र पिता, जाते समय उन सारी आत्माओं को, सारी लूट जो जो लूटा है इतने घर से, इतने साल से रहा, वो सब रख के जाना है, यीशु के नाम से आगे देते, वो भी कैसे सोने में और चांदी में और बहुमूल्य वस्त्रों में, यीशु के नाम से, यीशु नासरी के नाम से, ओ रबा खाना मासा तरबा खाना मासी तेरे ई रबा खाना मासी तेरे नमा शंदा खाना मासी तो यीशु के नाम से पवित्र पिता धन्यवाद देते हैं आपका दास होने के नाते यहाँ पवित्र भवन में और ये जो पवित्र पिता यहाँ जितने हैं इन सब के अंदर से एक एक अशुद्ध आत्मा को निकल जाने की आज्ञा देगी निकल यीशु के नाम से इनके अंदर से जितने साल तू रही वो भाड़ा देकर और सोना और चांदी देकर जाना है यीशु के नाम से मैं तुझे बांधती हूँ तेरे कार्यों को कलवरी क्रूस पर डालकर नाश करती हूँ और निकल जाने की आज्ञा देती हूँ और पवित्र आत्मा को रिलीज करती हूँ वहाँ दिखाए तुम जो कुछ खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा मैं यीशु के नाम से पवित्र आत्मा को खुला करती हूँ यीशु के नाम से पवित्र आत्मा को रिलीज करती हूँ स्वर्ग को खुला करती हूँ स्वर्ग की आशीष को रिलीज करती हूँ स्वर्ग में जो कुछ इनके लिए रखा है जो इनको पृथ्वी पर मिलना चाहिए वो सब मैं रिलीज करती हूँ इनके लिए मैं धन रिलीज करती हूँ इनके लिए मैं मान रिलीज करती हूँ प्रभु सारी संपत्ति में रिलीज करती हूँ आशीष में रिलीज करती हूँ यीशु के नाम से मेरे मान पवित्र श्राप की आत्मा को भी मैं यीशु के नाम से इनके अंदर से निकल जाने की आज्ञा देता हूँ उसे बांध के उसके कार्यों को कलवरी क्रूस पर डालकर निकल जाने की आज्ञा देता हूँ सारी बीमारी की आत्मा को स्किन डिजीज की स्पिरिट को भी मैं यीशु के नाम से बांध के उसके कार्यों को कलवरी क्रूस पर डालकर नाश करके निकल जाने की आज्ञा देती हूँ और प्रभु उनकी देह को त्वचा को निर्दोष निष्कलंक शुद्ध और पवित्र कर देता हूँ धन्यवाद देते मेरे मान पवित्र पिता धन्यवाद देते पिता धन्यवाद लोगों धन्यवाद इन सब पर आपका लोगो लगा है यीशु के नाम से करते रहना क्योंकि तुम्हारा गलत नहीं किया हमने भी जब आपको एक आत्मा याद आ गई तुरंत डांटो और ब्लेसिंग मांग के लेना जेवर जेवर तुम्हारे क्या हाथ में जाकर लगे थे उम्मीद लगे तेरा हो जाने का डर था ये करते रहना ये गलत रहता है गैप से भी हमने देखा गया कड़े को आपको युद्ध करते रहना है युद्ध गलत रहता है सच बात है गए हफ्ते में सीखी और गए हफ्ते में मतलब मैं पहले भी करती थी लेकिन बीच बीच में छोड़ दिया था लेकिन गए हफ्ते में गया थोड़ा मधे एक व्यक्ति के ऊपर हमला हो चुका था एक व्यक्ति के हमला कर दिया और वो घर यहाँ पर आई थी प्रार्थना करने के लिए प्रार्थना कर रहा जमानों में अभी ये मैं थोड़ा सा पहले गुस्से हो गया अभी इसको अच्छा दिखाती हूँ इसको अच्छा झाड़ती हूँ पहले भी थोड़ी रागो लेकिन क्या था मेरा चांगल रागो क्या चांगल झाड़ती पवित्र आत्मा
जेवढा सकाळी शिकलीये ना पण कविता पण मला बोलत की तू सुबह शिकली ना तू झगडा करेगी तो और झगडा बढेल आणि तू जर भांडण केलं तर अजून भांडण वाढेल तू स्पिरिट से लड आणि त्या आत्मेशी युद्ध कर उसको बांध तिला बांध कुर्सी पे बैठी उस आत्मा से लड़ी उसको बांधी उसको आज्ञा दी निकल जा उसके अंदर से और यीशु के नाम से उस व्यक्ति को शांत किया आणि कुर्शीवरती बसून त्या आत्मेशी युद्ध केलं तिला बांधलं आणि तिला म्हटलं की निघून जा या व्यक्तीमध्ये आणि ती व्यक्ती एकदम येशूच्या नावामध्ये शांत झाली आई थोडा टाइम बैठी प्रार्थना किया शांत हो चुकी थी रिटर्न वापस उसके घर में भेज दिया आई थोड़े वेळ बसली आणि शांत झाली तेव्हा ती पूर्ण तिच्या घरी निघून गेली जो व्यक्ती ऐसी है कि मेरा दो दो घंटा ले लेती तीन घंटा ले लेती आणि कारण स्तुती हो कुछ भी नहीं थोड़े समय लेकर शांति से मिल भी गया प्रकरण भी मिल गया शांति से बातचीत हुई शांति के प्रकरण सुधर मिल गया शांति की बातचीत सुधर गई आपको समझा इसलिए युद्ध किया करो मैं युद्ध कर रहा आत्मिक सेना है उनसे डरते रहो जैसे आत्मिक सेना है जैसे युद्ध कर रहा भगवान आशीष देव तुम्हारा आशीर्वाद करो प्रेज प्रेज द लॉर्ड